मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। तेनू पाना एक अरमान। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात। वाला है हिंदी सिनेमा की मोस्ट वॉच्ड फिल्म का सीक्वल, क्या गदर 2 द कथा कॉन्टिन्यूज फिर से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलेगी? क्या फिर अनिल शर्मा देंगे बॉलीवुड को एक गदर फिल्म? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। जी हां दर्शकों, ऊपर आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने की खबर चर्चा में आ गई है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की दमदार एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इसके प्रोड्यूसर थे नितिन केनी। फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि एक बार फिर इसके सीक्वल रिलीज होने की बात शुरू हो गई है। जी स्टूडियोज के अंडर प्रोड्यूस्ड हुई ये फिल्म 19 करोड़ के बजट के साथ रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 133 करोड़ पार कर गया था। 5.5 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में देखा था। तो हुई ना ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वॉच्ड मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेतर दुबे। साथ ही डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। सनी देओल और अमीषा पटेल नवंबर 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में साथ दिखाई दिए थे और अब आने वाली अगली फिल्म है गदर 2, जिसमें फिर दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। 2018 में अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म डायरेक्ट की, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। इस फिल्म में लीड रोल में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा रहे, जो एक बार फिर गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ नजर आएंगे। गदर फिल्म के नाम से ही सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले आइकॉनिक सीन से लेकर उनके दमदार डायलॉग तक उनके फैंस के दिलों में तरोताजा हो जाते हैं। फिल्म गदर एक पार्टीशन सेट ड्रामा है, जिसमें सनी देओल एक इंडियन सिख तारा सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जबकि अमीषा पटेल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया था। वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने बाल कलाकार के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभाया था। खबरों की माने तो सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशंस दिए थे, जिसमें से अमीषा पटेल को इस रोल के लिए चुना गया था। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक वो इस फिल्म के सीक्वल पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, 15 सालों से। हालांकि अभी तक फिल्म में सनी और अमीषा की केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, पर गदर के फैंस को उनके सीक्वल में अमरीश पुरी की बहुत याद आएगी। साथ ही पहली मूवी गदर के नरेटर ओम पुरी की भी कमी महसूस जरूर होगी। 15 अक्टूबर 2021 को इस सीक्वल फिल्म के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके साथ साथ एक मोशन पोस्टर भी देखने को मिला था, जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की स्टारिंग हमें देखने को मिली थी। फिल्म के पोस्टर से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब फैंस के दिलों में आ गई थी। खैर, अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब भारत और पाकिस्तान के दो प्रेमियों की कहानी बड़े पर्दे पर गदर मचाने उतर जाएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस गदर मचने वाली मूवीज को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वाला है हिंदी सिनेमा की मोस्ट वॉच्ड फिल्म का सीक्वल, क्या गदर 2 द कथा कॉन्टिन्यूज फिर से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलेगी? क्या फिर अनिल शर्मा देंगे बॉलीवुड को एक गदर फिल्म? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। जी हां दर्शकों, ऊपर आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने की खबर चर्चा में आ गई है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की 15 जून 2001
2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की दमदार एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इसके प्रोड्यूसर थे नितिन केनी। फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि एक बार फिर इसके सीक्वल रिलीज होने की बात शुरू हो गई है। जी स्टूडियोज के अंडर प्रोड्यूस्ड हुई ये फिल्म 19 करोड़ के बजट के साथ रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 133 करोड़ पार कर गया था। 5.5 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में देखा था। तो हुई ना ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वॉच्ड मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लिटिल दुबे। साथ ही डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। सनी देओल और अमीषा पटेल नवंबर 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में साथ दिखाई दिए थे और अब आने वाली अगली फिल्म है गदर 2, जिसमें फिर दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। 2018 में अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म डायरेक्ट की, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। इस फिल्म में लीड रोल में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा रहे, जो एक बार फिर गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ नजर आएंगे। गदर फिल्म के नाम से ही सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाला आइकॉनिक सीन से लेकर उनके दमदार डायलॉग तक उनके फैंस के दिलों में तरोताजा हो जाते हैं। फिल्म गदर एक पार्टीशन सेट ड्रामा है, जिसमें सनी देओल एक इंडियन सिख तारा सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जबकि अमीषा पटेल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया था। वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने बाल कलाकार के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभाया था। खबरों की माने तो सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशंस दिए थे, जिसमें से अमीषा पटेल को इस रोल के लिए चुना गया था। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक वो इस फिल्म के सीक्वल पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, 15 सालों से। हालांकि अभी तक फिल्म में सनी और अमीषा की केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, पर गदर के फैंस को उनके सीक्वल में अमरीश पुरी की बहुत याद आएगी। साथ ही पहली मूवी गदर के नरेटर ओम पुरी की भी कमी महसूस जरूर होगी। 15 अक्टूबर 2021 को इस सीक्वल फिल्म के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके साथ साथ एक मोशन पोस्टर भी देखने को मिला था, जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की स्टारिंग हमें देखने को मिली थी। फिल्म के पोस्टर से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब फैंस के दिलों में आ गई थी। खैर, अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब भारत और पाकिस्तान के दो प्रेमियों की कहानी बड़े पर्दे पर गदर मचाने उतर जाएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस गदर मचने वाली मूवीज को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओ नहीं हुआ सब्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। जब भी गदर मूवी का नाम लिया जाता है, तब नजरों के सामने आते हैं सनी देओल, मतलब 2.5 किलो का हाथ, और सनी को देखकर याद आती है गदर की। इसका मतलब जब सनी अपने करियर की आखिरी मूवी भी साइन करेंगे, तब भी गदर का रुतबा कम नहीं होने वाला है, और अब तो वो रुतबा दुगना होने वाला है, क्योंकि जल्द गदर 2 रिलीज होने वाली है। पर अब क्या सनी को मूवी का क्रेडिट शेयर करना पड़ेगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सनी अकेले मूवी में नहीं है, इनका बेटा चरणजीत भी होगा इनके साथ, जो एक सैनिक बनने वाला है। गदर मूवी का क्यूट चीते यानी एक्टर उत्कर्ष शर्मा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, उत्कर्ष मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। पर सिर्फ यही इनकी आइडेंटिटी नहीं है, इन्हें हमने देखा था मूवी जीनियस में, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर ऑडियंस की मुलाकात एक फ्रेश फेस से हुई और उत्कर्ष की परफॉर्मेंस की तारीफ भी की गई। अब ये सीक्वल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड हैं और उन्हें मूवी की कहानी का अंदाजा भी है। वैसे उत्कर्ष को लेकर भी काफी व्यूज सामने आए हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल ने उत्कर्ष को प्रॉमिसिंग एक्टर कहा है। इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी फिजिक और एक्टिंग स्किल्स पर काफी काम किया है, क्योंकि अब सीक्वल में इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा।
यही तो कहानी को आगे ले जाएंगे। उत्कर्ष ने अपने लुक पर्सनालिटी के लिए जिम में काफी पसीना बहाया है, जिसकी वजह से ऑडियंस उन्हें काफी अच्छे रिव्यूज दे रही है। वैसे उनके पापा अनिल शर्मा अपने बेटे के करियर को लेकर काफी एक्साइटेड है और नर्वस भी है, क्योंकि एक तो उनके ऊपर गदरटू का प्रेशर है तो दूसरी तरफ बेटे के करियर का प्रेशर। मूवी प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने उन्हें यही सलाह दी कि ये रिकॉर्ड ब्रेक मूवी पर काम करने वाले हैं तो उन्हें कंटेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनके कंटेंट में दम होगा तो इस मूवी को जस्टिस मिल पाएगा। आरजे अनुराग पांडे ने बधाई देते हुए सावधानी से काम करने की सलाह दी है। वेल, मूवी का काम लगभग पूरा हो चुका है, पर इन सब की सलाह के बाद जितना कुछ बचा होगा उसमें अनिल जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। आखिर ये उनकी ही जो मूवी ठहरी, पर ये सलाह देने के पीछे उनका काम जिम्मेदार है। उन्होंने मूवी बनाई ही ऐसी है जिसे ऑडियंस दीवानी हो गई। आप ये सुनकर हैरानी हो जाएंगे कि जब गदर मूवी रिलीज हुई थी तब उस वक्त सुबह 6 बजे से ऑडियंस थिएटर के बाहर खड़ी रहती थी थिएटर खुलने का इंतजार करते हुए। मतलब सोचिए कि कितना क्रेज था और अभी भी है। इसलिए महंगाई की तरह दिन ब दिन सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है मूवी को लेकर। वैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मूवी से? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या है गदर 2 की स्टोरी? कौन दिखेगा इस बार विलेन के रूप में? क्या दर्शकों को पसंद आएगी ये फिल्म? So hello to my lovely viewers, welcome back to your favorite YouTube channel Bolly Grand Studios. This is Riya और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म गदर 2 के साथ। दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। वैसे इतना सनी देओल काफी चर्चा में छाए हुए हैं और वो जल्द ही फिर से वापसी करने वाले हैं, लेकिन गदर 2 से पहले सनी देओल और बल्कि में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म गदर 2 से जुड़ी सनी देओल का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें अभिनेता तारा सिंह के किरदार में दिखाई दे रहे हैं और अमीषा पटेल को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर साल 2018 में आई फिल्म भैया जी सुपरस्टार में देखा गया था। उनकी ये फिल्म 20 सालों पुरानी थी जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। इसके बाद से अमीषा पटेल मुख्य अभिनेत्री के तौर में अभी तक किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई हैं और अब फिल्म गदर 2 में उन्होंने सकीना का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। अब गदर 2 की स्टोरी के बारे में बात करें तो पिछले पार्ट में तारा सिंह पत्नी सकीना को लेके के लिए पाकिस्तान गए थे और वहीं लेकिन गदर 2 में सनी देओल किसी दूसरी वजह से सरहद पार पाकिस्तान का रुख करेंगे। गदर 2 की कहानी भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी और उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में एक बार फिर घुसने वाले हैं। फिल्म से जुड़े सूत्र ने बताया कि गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती फिल्म की कहानी में तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी भी पिरोई दिखाई देगी, लेकिन गदर 2 में साल 1971 में कोई भारत पाकिस्तान के युद्ध को रिक्रिएट किया जाएगा। इसमें तारा सिंह का बेटा जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाने वाले हैं और इस वॉर के दौरान जब तारा सिंह का बेटा जीते की जान पर बन जाएगी तो वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फिल्म गदर में अमरीश पुरी के विलन अंदाज में काफी सुर्खियां बटोरी थी और अमरीश पुरी ने फिल्म में मेयर अशरफ अली का किरदार निभाया था और वहीं जिसने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी, लेकिन अमरीश पुरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 12 जनवरी 2005 को निधन हो गया था और फिल्म गदर में अमरीश पुरी ने सकीना के पिता का रोल बड़ी बखूबी से निभाया। और उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखने वाले हैं विलेन के रूप में इस फिल्म में। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में हैं और वो इससे पहले अनिल बाप बेटे के रिश्ते को फिल्म अपने में दिखा चुके हैं, जिसमें सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल ने काम किया था। वहीं फिल्म को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और अनिल शर्मा एक बार फिर यही फॉर्मूला गदर 2 में आजमाने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि फिल्म की कहानी से वह दर्शकों को कितना रिझा पाते हैं या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा या मुर्दा चाहिए। 15 मिनट में 25 खतरनाक दर्जे मार सकता है। वो इस शहर से मेरा खोया हुआ रुतबा टिकटॉक वापस ले आ सकता। कैसे जुड़े आमिर खान और सनी देओल, कितना कलेक्शन मिला मूवी को बॉक्स ऑफिस पर, कैसा है कपिल शर्मा मूवी का पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय बॉलीग्राड स्टूडियोज। और जैसा कि आप जानते ही है कि ये है कहानी तारा सिंह की, एंड दिस स्टोरी डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब बहुत से हिंदू पाकिस्तान रह गए और बहुत से निकल गए और बहुत से मुस्लिम भारत छोड़ के चले गए। इस कहानी में एक हैप्पी मैरिड कपल की जिंदगी में कैसे तूफान आता है इन दंगों के कारण उसका वर्णन है। कैसे सकीना और तारा को अलग कर दिया जा रहा है और सकीना को अपने परिवार से मिलने तक नहीं दिया जाता। इस एवरग्रीन रोमांटिक थ्रिलर ने हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स बनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जबकि इसकी 10 करोड़ से भी ज्यादा टिकट्स बिक गई। केवल 18 ही हफ्तों में मूवी ने 147 करोड़ कमा लिए, जो कि 2013 की इन्फ्लेशन का हिसाब से 475 करोड़ बनते हैं। जी हाँ, 475 करोड़। मूवी की रिलीज डेट्स का क्लैश होना, फिर मूवीज का पोस्टपोन हो जाना, ये तो इस फील्ड में काफी आम बात है। लेकिन जब किन्हीं दो एक्टर्स की मूवी बार बार एक साथ क्लैश करती है, क्या वो भी आम बात है? जी हाँ, आमिर खान और सनी देओल की 3 बार मूवीज क्लैश करी। 1990 की घायल और दिल, 1996 की घटक और राजा हिंदुस्तानी, और फिर 2001 में लगान और फिर गदर। गदर का परफॉर्मेंस सुपर हिट लगान से भी ज्यादा अच्छा रहा, और वो भी अपने टाइम में, और गदर ने एक ब्लॉकबस्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात तो ये है कि गोविंदा अनिल शर्मा की पहली चॉइस थी इस रोल के लिए, पर जब महाराजा रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई तो अनिल ने अपना मन बदल दिया। वैसे तो ये स्टोरी राइटर्स ने सनी देओल को ही सोच के लिखी थी, पर महाराजा मूवी के सेट्स पे अनिल शर्मा ने स्टोरी गोविंदा को बताई और वहन से गोविंदा इस मूवी का पार्ट बनने लगे। इसी तरह अमीषा पटेल से पहले काजोल इस मूवी की चॉइस थी, पर काजोल के पास टाइम नहीं था और इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और देखिए तो सही, अनिल की चॉइस सही भी निकली। आज गदर हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है, और इसे एवरग्रीन डीडीएलजे, शोले, बाहुबली 2, मदर इंडिया, 3 इडियट्स और मुगले आजम के साथ रखा जा चुका है। गदर इंडिया की मोस्ट वॉच्ड फिल्म भी है, जो 5.5 करोड़ फुटफॉल्स के साथ और अपने थिएट्रिकल रन के बाद मूवी ने 76.88 करोड़ इंडिया में और 143 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए। सनी देओल एक सच्चे गरम धर्म के बेटे निकले। जब शूट के दौरान सनी और हमेशा दोनों रिक्शा पे थे, एक एक्सीडेंट होने ही वहां था कि सनी रिक्शा से कूद गए और फिर अमीषा को अपनी बाहों में उठा के लेकर आए। इनफैक्ट उन्हें इतना गिल्ट हुआ कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन देवा में अमीषा को रोल ऑफर किया। इंटरेस्टिंगली गदर में जिस सीन में अमीषा पटेल ट्रेन मिस कर देती है, उस सीन का पार्ट हमारे और आपके प्यारे कॉमेडियन कपिल शर्मा बने। कपिल जो तब के बच्चे थे, उनके फादर उस दिन वहीं पे ड्यूटी पे थे, और यंग कपिल ने मूवी में अपनी एक झलक दिखाने की तकरीब बताई। और ये वो आखिरी फिल्म है जो 1969 में चालू हुए मशहूर थिएटर संगम सिनेमा अंधेरी ईस्ट में रिलीज हुई। इसके बाद वो थिएटर बंद हो गया और मूवी एक और हिस्ट्री का पार्ट बन गई। आखिर क्या हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? सनी कैसे बचाएंगे जीते को बॉर्डर पार वाले दुश्मनों से? सकीना क्या मदद कर पाएंगी अपनी बेटी? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज हम बात करने वाले हैं गदर फिल्म की आने वाली सीक्वल गदर 2 के बारे में। अपने और अपनों के लिए प्यार आपको हर चीज से लड़ने की ताकत देता है, और जब बात अपनों को बचाने की आती है तो आप अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते। ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर देखने को मिलेगा गदर 2 में। सनी एक बार फिर दिखाएंगे कि कैसे आदमी बहादुरी के साथ मुश्किल का सामना करता है जब उसके अपने खतरे में होते हैं। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि आखिर मूवी में ऐसा क्या हुआ था और सनी को किसकी जान बचाने के लिए इतना जोखिम उठाना पड़ा। तो बात ऐसी है दोस्तों कि सनी ला रहे हैं अपनी ब्लॉकबस्टर हिट गदर का सीक्वल, जिसमें फिर से होगी एक इंटेंस कहानी, और इसी पिक्चर के थ्रू हमें पता चलेगा कि आखिर किसे बचाने के लिए सनी अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं।
इस पिक्चर में भी पिछली मूवी की तरह ही उत्कर्ष शर्मा ही सनी के बेटे का रोल प्ले करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसे घूमती है कि सनी के रियल बेटे यानी उत्कर्ष मुश्किल में पड़ जाते हैं और उनकी जान खतरे में होते हैं, और उसी को बचाने के लिए सनी अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ बॉर्डर पार कर जाते हैं। वैसे ये कहानी जो है ये पिछली कहानी से मिलती जुलती है, यानी ये कहानी भी पाकिस्तान को लेकर ही है। लेकिन फैंस को पिछली बार जिस तरीके से एक जबरदस्त कहानी परोसी गई थी, तो क्या वो दोबारा भी पॉसिबल है? क्या अब भी सनी की अदाकारी में वो बात है जो फैंस को थिएटर तक खींच के लेकर आए और फिल्म हिट करा दे? वैसे अगर फीमेल लीड की बात करें तो इस बार भी अमीषा ही अपने बेटे जीते पुत्र की मां बनी है, तो हमें कहानी का एक नया एंगल देखने को मिल सकता है। सकीना बनी अमीषा, जो कि पिछले कहानी में पाकिस्तानी ही बनी थी, इस कहानी में अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति की कैसे मदद करेंगी, और क्या वो अपनों को बचाने के लिए अपनों के ही खिलाफ जाएंगी? वही अगर हम बात करें जीते पुत्र जी की, तो गदर 2 में वो अडल्ट हो गए हैं। इस बार सोल्जर के किरदार में जीते पुत्र जो है वो दिखने वाले हैं। कहानी की प्लॉटिंग कुछ ऐसा है दोस्तों कि जंग के दौरान वो बॉर्डर पार जाकर फंस जाते हैं, और उसी को बचाने के लिए उनके पिता यानी सनी पाजी को वो जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ती है। तो आपने देखा कि गदर में जो एक्ट्रेस इन कैरेक्टर्स को निभा रहे थे, गदर 2 में भी वही दिखने वाले हैं। तो आप बताइए कि आपको इन एक्टर्स के बारे में क्या कहना है, फिल्म के बारे में क्या कहना है, और इस फिल्म को देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड है, क्योंकि गदर तो सुपर हिट रही है, तो लोगों को गदर 2 से भी उतनी ही एक्सपेक्टेशन होगी? हम जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट काफ़ी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। जुड़े आमिर खान और सनी देओल, कितना कलेक्शन मिला मूवी को बॉक्स ऑफिस पर? कैसा है कपिल शर्मा मूवी का पार्ट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और जैसा कि आप जानते ही है कि ये है कहानी तारा सिंह की, एंड दिस स्टोरी डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब बहुत से हिंदू पाकिस्तान रह गए और बहुत से निकल गए और बहुत से मुस्लिम भारत छोड़ के चले गए। इस कहानी में एक हैप्पी मैरिड कपल की जिंदगी में कैसे तूफान आता है इन दंगों के कारण, उसका वर्णन है। कैसे सकीना और तारा को अलग कर दिया जा रहा है और सकीना को अपने परिवार से मिलने तक नहीं दिया जाता। इस एवरग्रीन रोमांटिक थ्रिलर ने हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स बनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जबकि इसकी 10 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट्स बिक गई। केवल 18 ही हफ्तों में मूवी ने 147 करोड़ कमा लिए, जो कि 2013 की इन्फ्लेशन का हिसाब से 475 करोड़ बनते हैं। जी हाँ, 475 करोड़। मूवी की रिलीज डेट्स का क्लैश होना, फिर मूवीज का पोस्टपोन हो जाना, ये तो इस फील्ड में काफी आम बात है। लेकिन जब किन्हीं दो एक्टर्स की मूवी बार बार एक साथ क्लैश करती है, क्या वो भी आम बात है? जी हाँ, आमिर खान और सनी देओल की 3 बार मूवीज क्लैश करी। 1990 की घायल और दिल, 1996 की घटक और राजा हिंदुस्तानी, और फिर 2001 में लगान और फिर गदर। गदर का परफॉर्मेंस सुपर हिट लगान से भी ज़्यादा अच्छा रहा, और वो भी अपने टाइम में, और गदर ने एक ब्लॉकबस्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात तो ये है कि गोविंदा अनिल शर्मा की पहली चॉइस थी इस रोल के लिए, पर जब महाराजा रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई तो अनिल ने अपना मन बदल दिया। वैसे तो ये स्टोरी राइटर्स ने सनी देओल को ही सोच के लिखी थी, पर महाराजा मूवी के सेट्स पे अनिल शर्मा ने स्टोरी गोविंदा को बताई और वहन से गोविंदा इस मूवी का पार्ट बनने लगे। इसी तरह अमीषा पटेल से पहले काजोल इस मूवी की चॉइस थी, पर काजोल के पास टाइम नहीं था और इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और देखिए तो सही, अनिल की चॉइस सही भी निकली। आज गदर हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है, और इसे एवरग्रीन DDLJ, शोले, बाहुबली 2, मदर इंडिया, 3 Idiots और मुगले आजम के साथ रखा जा चुका है। गदर इंडिया की मोस्ट वॉच्ड फिल्म भी है, जो 5.5 करोड़ फुटफॉल्स के साथ और अपने थिएट्रिकल रन के बाद मूवी ने 76.88 करोड़ इंडिया में और 143 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए।
सनी देओल एक सच्चे गरम धर्म के बेटे निकले। जब शूट के दौरान सनी और हमेशा दोनों रिक्शा पे थे, एक एक्सीडेंट होने की वहाँ था कि सनी रिक्शा से कूद गए और फिर अमीषा को अपनी बाहों में उठा के लेकर आए। इनफैक्ट उन्हें इतना गिल्ट हुआ कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन देवा में अमीषा को रोल ऑफर किया। इंटरेस्टिंगली गदर में जिस सीन में अमीषा पटेल ट्रेन मिस कर देती है, उस सीन का पार्ट हमारे और आपके प्यारे कॉमेडियन कपिल शर्मा बने। कपिल जो तब के बच्चे थे, उनके फादर उस दिन वहीं पे ड्यूटी पे थे और यंग कपिल ने मूवी में अपनी एक झलक दिखाने की तकरीब बताई। और ये वो आखिरी फिल्म है जो 1969 में चालू हुए मशहूर थिएटर संगम सिनेमा अंधेरी ईस्ट में रिलीज हुई। इसके बाद वो थिएटर बंद हो गया और मूवी एक और हिस्ट्री का पार्ट बन गई। इसी के साथ अब वक्त आ गया है इजाजत लेने का। तब तक के लिए जाते जाते स्टे ट्यून्ड। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहाँ किया गया है गदर 2 का शूट? क्यों 20 साल बाद फिर से गदर 2 का सीक्वल बनाया जा रहा है? क्या गदर 2 को हिट करवा पाएंगे सनी देओल? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे कोई नहीं भूल सकता है। फिल्म में दोनों कलाकारों की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। इस फिल्म के जो कभी ना भूल पाने वाले डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर से फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है। ये खबर सुनकर एक बार फिर साल 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। निर्देशक अनिल शर्मा ने लखनऊ में गदर 2 की शूटिंग पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक गदर 2 की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के बाद लखनऊ में की जा रही थी और यहां पर 70% फिल्म शूट हो चुकी है। इसके लिए लॉ मार्टिनियर कॉलेज, हुसैनाबाद कॉलेज, केसरबाग, काकोरी और मलिहाबाद की लोकेशंस भी देखी गई थीं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर और मांडू में भी फिल्म की शूटिंग की जा चुकी है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा को 20 साल पूरे हो चुके हैं। डायरेक्टर अनिल शर्मा की ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के सीक्वल की 20 साल बाद लाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। गदर ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के मामले में कीर्तिमान स्थापित किए थे। भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई एक प्रेम कहानी को इस फिल्म में प्रमुखता से दिखाया गया था। 2001 में गदर के रिलीज से साल 2022 की दस्तक तक एक लंबा अरसा गुजर चुका है और सिनेमा पूरी तरह से बदल चुका है। गदर के बाद अनिल शर्मा बतौर निर्देशक बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। इसके अलावा इस दौर में आई उनकी सभी पांचों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। फिल्म जीनियस तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों की मौजूदगी में एक डिजास्टर साबित हुई। ऐसे में गदर 2 में तभी कोई चमत्कार साबित हो सकता है जब अनिल शर्मा बदलते हुए समय के हिसाब से कहानी को कहें। गदर के लेखक शक्तिमान के करियर में भी इस फिल्म के अलावा और कोई फिल्म सफल नहीं हो पाई। जहां तक सनी देओल के स्टारडम का सवाल है तो उनकी आखिरी हिट फिल्म इंडियन साल 2001 में आई थी। इसके बाद उनकी करीब 30 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आईं और अपने औसत रिजल्ट के साथ बाकी की 29 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में सनी देओल 29 फिल्मों के फ्लॉप हीरो हैं। ऐसे में गदर 2 के लिए ये दावा भी नहीं किया जा सकता कि सनी देओल के स्टारडम के कारण जनता सिनेमाघरों तक खिंची चली आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल इस मूवी को हिट करा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। डायलॉग सुनने को मिलेंगे ऑडियंस को गदर 2 में। क्या फ्लॉप स्टार कास्ट का जमावड़ा है गदर 2? हेलो गाइस, मैं हूं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेटर बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है सोल्जर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो आए दिन फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आती ही हूँ, लेकिन बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आपसे इतना भी नहीं होता, कर दो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। 20 साल बाद गदर एक प्रेम कथा की टीम सीक्वल के लिए नई कहानी के साथ आ रही है। गदर एक पीरियड रोमांटिक एक्शन ड्रामा है जिसे अनिल शर्मा ने बंटवारे और भारत पाकिस्तान की पेचीदगी को मसालेदार जायके से बनाया था।
गदर 2 की कहानी को पुरानी स्टार कास्ट के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्माताओं की कोशिश है कि सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी को नए सिरे से बॉक्स ऑफिस पर दिखाया जाए। इसी वजह से पहले पार्ट की लगभग सभी बड़ी स्टार कास्ट को दोहराया जा रहा है। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा का नाम तो अभी सबसे हाईलाइटेड है। गदर 2 भी अनिल शर्मा ही बना रहे हैं। ऑडियंस एक बार फिर से सनी देओल के भारी भरकम डायलॉग्स के साथ देशभक्ति की मसालेदार कहानी को उम्मीद कर सकती है। हालांकि गदर 2 का फॉर्मूला कितना एंटरटेनिंग होगा इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। देशभक्ति का रैपर लगाकर भारत पाकिस्तान के बीच की तनातनी को बॉलीवुड आखिर कितने दिनों तक बेच सकता है? कई दिनों तक बेचा जा सकता है, लेकिन कंडीशंस के साथ दोनों देशों के बीच तनातनी भावुक मुद्दा है जो हमेशा दर्शकों को अट्रैक्ट करता है। बावजूद फिल्मों के जरिए इमोशंस को दिखाने के लिए कई और चीजें भी जरूरी होती है, मसलन अच्छी कहानी, बढ़िया निर्देशन, स्टार कास्ट और प्रोजेक्ट में एक्टर्स टीम का परफॉर्मेंस। अगर भारत पाकिस्तान को लेकर बन रहे किसी प्रोजेक्ट में ये चीजें नहीं है तो उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्ला मच सकता है, टिकट खिड़की पर नतीजे नहीं निकाले जा सकते। बॉलीवुड में नाकाम फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसकी कहानी में भारत पाकिस्तान होने के बावजूद चीजें बेहतर साबित नहीं हुई। यहाँ तक कि जंग पर बनी कई फिल्मों का हाल भी बहुत खराब रहा। इसका एक उदाहरण तो हाल ही में दिखा दिया गया था भूज दी प्राइड ऑफ इंडिया में। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग की एक महत्वपूर्ण कहानी पर बनी मूवी को दर्शकों ने नकार दिया। मूवी की खूब चर्चा हुई, हालांकि रिलीज के बाद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही। जबकि भूज के साथ साथ आई कारगिल जंग पर बनी बायोपिक मूवी शेरशाह ने जबरदस्त करिश्मा दिखाया। यहाँ तक कि ओटीटी पर भी इस मूवी ने खूब धमाल मचाया। गदर 2 के चार बड़े नाम सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और उनके पिता अनिल शर्मा लंबे वक्त से कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। चारों लगातार नाकामयाबी झेल रहे हैं, सुपर फ्लॉप कहे जा सकते हैं। कामयाबी तो दूर की बात है, लंबे समय से सनी देओल किसी ढंग की मूवी में भी नजर नहीं आए हैं। वे ज्यादातर होम प्रोडक्शन की फिल्मों में दिखे हैं जिनका बॉक्स ऑफिस कमाई बहुत ही निराशाजनक रहा। 4 साल पहले बतौर हीरो उत्कर्ष शर्मा ने जीनियस से डेब्यू किया पर असर नहीं छोड़ पाए। जीनियस उनके पिता ने बनाई थी, इसके बाद उत्कर्ष शर्मा को दूसरी मूवी नहीं मिली। अब फिर पिता की सक्सेस फ्रेंचाइजी में आ रहे हैं। अमीषा पटेल तो लगभग गायब ही हो चुकी थी, वो कभी कभार बी ग्रेड फिल्मों में दिखती हैं। गदर के बाद अनिल शर्मा ने करीब दर्जन भर से ज्यादा कोशिश की पर सफलता ने उनसे मुंह ही मोड़ लिया है। फिलहाल तो गदर सुपर फ्लॉप सितारों का जमावड़ा ही नजर आ रहा है। गदर 2 के निर्माताओं को इसी वजह से ज्यादा परेशानी होगी और ये मूवी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब देखते हैं आखिर क्या होता है, मूवी हिट होगी या फ्लॉप, इसका अनुमान तो ट्रेलर देख के ही लगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिल्म गदर के बारे में। हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने वाला है। डायरेक्टर अनिल शर्मा के द्वारा डायरेक्टेड ये 2010 की फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की बेमिसाल फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की दमदार कहानी, एक्टर्स की एक्टिंग, गाने, डायलॉग्स, हर चीज बेहद उम्दा थी, जिसके कारण ऑडियंस आज भी फिल्म देखना बहुत पसंद करती है। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करी जाए तो हमें लीड एक्टर्स में सनी देओल, अमीषा पटेल, उमरेश पुरी और डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। ये फिल्म एक पार्टीशन से ड्रामा है जिसमें सनी देओल ने एक सिख तारा सिंह का किरदार निभाया था। वहीं अमीषा पटेल ने पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया था और उत्कर्ष शर्मा एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभा रहे थे। अब जहां इसका सीक्वल लॉन्च होने वाला है तो हमें उम्मीद है कि हमें सनी, अमीषा और उत्कर्ष फिर से अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आपको इस फिल्म से जुड़ी एक और बात बता दें, ये फिल्म पहले मशहूर पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर निमरत खेरा को भी ऑफर करी गई थी। जी हाँ, मेकर्स ने निमरत खेरा को उत्कर्ष शर्मा के लव इंटरेस्ट के तौर पर अप्रोच किया, पर हैरानी की बात तो ये है कि फिल्म के सक्सेस को जानते हुए भी निमरत खेरा ने कर दिया रोल के लिए इनकार। जी हाँ, सूत्रों से पता चला है कि इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि इस फिल्म में दोनों जी और सनी हैं, जिन्होंने कुछ टाइम पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर ऑपरेशन के व्यू जाहिर किए थे, जिसके कारण निमरत ने ठुकरा दिया ये रोल। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें प्रोडक्शन हाउस ही बता सकता है, पर अब देखने वाली बात तो ये होने वाली है कि उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट कौन कास्ट होगा। इस फिल्म के रिलीज डेट की बात करी जाए तो हमें हमारे सोर्सेज से पता चला है कि ये फिल्म नवंबर 2022 में रिलीज हो सकती है। खैर, ये बात से अभी प्रोडक्शन हाउस की तरफ कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पर आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ
और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। और ऐसे ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो को। कब होगी ये फिल्म रिलीज? कौन से सितारे दिख सकते हैं इस फिल्म में? क्या ऑडियंस फिर से पसंद करेगी ये फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। मैं पूजा मोरे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, ये कहने फिर से आ रहे हैं हमारे सुपर एनर्जेटिक सनी देओल। उस वक्त की ये फिल्म सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए थे। गदर फिल्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जब फिल्म के 10 करोड़ टिकट बिक चुके थे। दरअसल ये फिल्म बूटा सिंह के रियल लाइफ पर आधारित है, जिन्हें मुस्लिम गर्ल से प्यार हो जाता है 1947 के पार्टीशन के वक्त। गदर इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है हम आपके है कौन और बाहुबली के बाद। इस फिल्म को ओवरऑल इंडिया में 350 स्क्रीन्स पर एट ए टाइम पब्लिश किया गया था। हमारे फिल्म की लीड एक्ट्रेस की तो बात ही कुछ अलग है। अमीषा पटेल जब इस फिल्म के ऑडिशन के लिए आई थी तब उनके साथ 500 और लड़कियां भी ऑडिशन के लिए थी, मगर हमारे अमीषा पटेल ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि डायरेक्टर ने इन्हें सिलेक्ट कर दिया। इस फिल्म में अमीषा और सनी के जो छोटे जनाब दिखाए हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे डायरेक्टर अनिल शर्मा के छोटे बेटे हैं। पहचाना नहीं? तेरा फितूर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्कर्ष शर्मा की, जिन्होंने डेब्यूट किया था 2018 की जीनियस फिल्म में। फिल्म को 17 साल हो चुके हैं मगर फैंस का प्यार फिल्म के लिए अभी भी बरकरार है और इसीलिए गदर 2 भी जल्दी आने वाली है। सनी देओल ने इंस्टा हैंडल पर टीजर लॉन्च करते हुए कहा है कि वो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गदर 2 हमें ये साल के एंड में देखने को मिल सकती है। सनी देओल और अमीषा पटेल तो है ही, मगर साथ ही उत्कर्ष शर्मा का परफॉर्मेंस देखने के लिए सभी फैंस वेट कर रहे हैं। इस फिल्म का निगेटिव कैरेक्टर कौन होगा ये तो अभी तक पता नहीं चला है, मगर साल के एंड में तो हमें पता चल ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म फिर से उतना कमाल कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। जल्दी मिलते हैं और नए गॉसिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या होंगे उत्कर्ष किडनैप? आखिर क्या कहा अमीषा पटेल ने पपराजीज को और कौन होगा खलनायक? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। मैं पूजा मोरे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि बॉलीवुड में आखिर बक क्या रहा है। किसी को हिंदुस्तान चाहिए तो किसी को पाकिस्तान। इंसानों की तो इंसानों को जरूरत ही नहीं है, मगर सनी देओल के फैंस को उनकी बहुत जरूरत है। हमें तो पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान कितना सेंसिटिव टॉपिक है और इतने सेंसिटिव टॉपिक पर अनिल शर्मा ने एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया था गदर फिल्म के जरिए। 2001 में रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत देखी गई थी। उस वक्त अगर फिल्म के टिकट्स ना मिले तो लोग थिएटर के बाहर रात रात भर लाइन लगाकर बैठे रहते थे कि कब टिकट काउंटर खुलेगा और उन्हें सनी पाजी की बस एक झलक देखने को मिल जाएगी। आपको बता दें कि सनी देओल ने सोशल मीडिया पर गदर 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। गदर 2 फिल्म में कोई भी लीड एक्टर चेंज नहीं किया जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उत्कर्ष शर्मा देखने को मिल सकते हैं। उत्कर्ष शर्मा की लास्ट फिल्म जीनियस में उन्होंने अपने चार्मिंग पर्सनालिटी से सारे फैंस का दिल जीत लिया था। कहा जाता है कि गदर 2 में उत्कर्ष शर्मा किडनैप होने वाले हैं, जिसकी वजह से सनी देओल को अपने सुपर एनर्जेटिक फाइट सीन्स दिखाने का मौका मिलने वाला है। अगर बात करें खलनायक की तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अनिल शर्मा की लास्ट फिल्म जीनियस में निगेटिव रोल प्ले किया था। ऐसा भी सुनने में आया है कि अनिल शर्मा को नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए चांसेस है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आने वाली फिल्म गदर में निगेटिव रोल में हमें दिख सकते हैं। अमीषा पटेल ने एक वीडियो में पपराजी से कहा है कि जितना प्यार गदर को दिया है उतना ही प्यार गदर 2 को भी दीजिए ताकि वो ऐसे ही फिल्में बनाते रहे। आपको शायद पता नहीं होगा मगर गदर 2 लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में शूट हुई है। क्लाइमैक्स सीन शूट करते वक्त कॉलेज को पूरा बैटल ग्राउंड सा बना दिया था। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आता है? सनी देओल के एक्शन सीन तो है ही, मगर इस फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई गई है उस लव स्टोरी से लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि पार्टीशन के वक्त बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे कपल्स एक दूसरे से बिछड़ गए थे, जिसकी वजह से इस फिल्म को प्यार मिला था, मिल रहा है और मिलता रहेगा।
हमें तो पता ही है कि फिल्म हिट होने वाली है। मचाएंगे गदर, क्या आने वाला है हिंदी सिनेमा की मोस्ट वॉच्ड फिल्म का सीक्वल? क्या गदर 2 द कथा कंटिन्यूज फिर से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलेगी? क्या अनिल शर्मा फिर देंगे बॉलीवुड को एक अनोखी गदर? जी हाँ, आपने ठीक सुना, हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने की खबर चर्चा में आई है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर हिंदी सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग, डायलॉग्स, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि एक बार फिर इसके सीक्वल रिलीज होने की बात शुरू हो गई। जी स्टूडियोज के अंदर प्रोड्यूस हुई ये फिल्म 19 करोड़ के बजट के साथ रिलीज हुई और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 133 करोड़ पार कर गया। 5.5 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में देखा, तो हुई ना। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म के कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में द सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, साथ ही डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आए। सनी और अमीषा नवंबर 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में साथ दिखाई दिए और अब उनकी आने वाली अगली फिल्म है गदर 2, जिसमें भी दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। 2018 में अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म डायरेक्ट की, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद थे। इस फिल्म में लीड रोल में उत्कर्ष शर्मा थे, जो एक बार फिर गदर 2 में सनी और अमीषा के साथ नजर आएंगे। गदर फिल्म के नाम से लेकर सनी के हैंडपंप उखाड़ने वाले आइकॉनिक सीन से लेकर उनके दमदार डायलॉग्स तक सब कुछ जबरदस्त था। फिल्म गदर एक पार्टीशन सेट ड्रामा है, जिसमें सनी एक इंडियन सिख तारा सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आए, जबकि अमीषा ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया। अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभाया। खबरों की माने तो सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिए थे, जिसमें से अमीषा को इस रोल के लिए चुना गया था। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक वो इस फिल्म के सीक्वल पर 15 सालों से काम कर रही है। हालांकि अभी तक फिल्म में सनी और अमीषा की केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, पर गदर के फैंस को उसके सीक्वल में अमरीश पुरी की बहुत याद आएगी। साथ ही गदर के नरेटर ओम पुरी की भी कमी महसूस होगी। 15 अक्टूबर 2021 को इस सीक्वल के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके साथ साथ एक मोशन पोस्टर भी देखने को मिला था, जिसमें सनी, अमीषा और उत्कर्ष की स्टारिंग देखने को मिली थी। फिल्म के पोस्टर से ही एक बहुत सी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब फैंस के दिलों में छा गई थी। खैर, अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब भारत और पाकिस्तान की दो प्रेमियों की कहानी बड़े पर्दे पर गदर मचाने उतरेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसके साथ ही आपने इसे लाइक और शेयर भी जरूर किया होगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अन्यों के लिए कौन सी बात ला रहा है गदर 2? गदर 2 के राइटर्स को किस बात की उलझन थी? हेलो गाइस, मैं हूं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड बेटर बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो आए दिन फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आती ही हूँ, लेकिन बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आपसे इतना भी नहीं होता, कर दो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। ये खबर हिंदुस्तानियों के लिए तो है ही, पाकिस्तानियों के लिए भी है, और सभी पाकिस्तानी भाइयों को सूचित किया जाता है कि अपने घर के हैंडपम्प, नली, टैंकर सभी संभाल कर रख ले, कानों में डालने के लिए रुई का इंतजाम भी करके रख ले, क्योंकि तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने वाला है। क्यों? क्योंकि गदर 2 आ रही है, शूटिंग शुरू हो गई है। तारा ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है, जिन्हें गदर 2 का नॉस्टैल्जिया है उनके लिए भी, उसके राष्ट्रवाद से एतराज है उनके लिए भी, और जिन्हें सीक्वल के एक्शन का इंतजार है उनके लिए भी। आइए बताते हैं मूवी की वो बातें जो आप जरूर जानना चाहेंगे। कैसे दिखेंगे सनी देओल और अमीषा पटेल के किरदार? तकरीबन पहली मूवी जैसे ही दिखेंगे, थोड़ा एजेड हो गए हैं, हालांकि उनके किरदारों तारा सिंह और सकीना का फर्स्ट लुक भी आ गया है। इसमें सनी के सिर पर सफेद पग है और बदन पर लाल कुर्ता।
हाथ में संतरे की पेटी भी। एक बार तो ऐसा लगता है कि तारा सिंह एक्शन कम और प्यार मोहब्बत से ज्यादा चलेगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, ये सनी और अमीषा का लुक है। इस मूवी की कहानी और स्क्रिप्ट पर डायरेक्टर अनिल काफी वक्त से काम कर रहे थे। उनके राइटर्स की टीम इस उलझन में जुटी थी कि सीक्वल में हीरो क्या करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी कोशिशों के बाद स्क्रीन प्ले पूरा हुआ और गदर एक प्रेम कथा की तरह सीक्वल में भी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर बात होगी और हीरो सनी देओल इस शत्रु देश को थरथरा देंगे। मूवी रश्मि रॉकेट और POW बंदी युद्ध के जैसी सीरीज के स्क्रीन राइटर अनिरुद्ध गुहा ने इस मूवी की कहानी प्रेडिक्ट की है। उन्होंने ट्वीट किया कि तारा और सकीना का बेटा सेना में भर्ती हो गया है। वो एक मिशन पर पाकिस्तान जाता है जहां उसे पकड़ लिया जाता है। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाता है। इस बार दोनों बाप बेटे मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को चित करते दिखाई देंगे। ये वैसे तो एक कयास भर है और संभावना ये भी है कि इस बार दुश्मन देश कोई भी हो सकता है, अफगानिस्तान से लेकर चीन तक कोई भी, लेकिन अनिल शर्मा को अपना टारगेट पाकिस्तान ही अच्छा लगता है। बताओ डायरेक्टर अनिल की पिछली मूवी जीनियस थी जिसमें हीरो का दुश्मन पाकिस्तान ISI ही था। बाकी गदर 2 की कहानी सटीक तौर पर क्या होगी ये ट्रेलर में या मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है एग्जैक्टली कैसी होगी गदर 2 की कहानी। सो गाइस, आपको अगर आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कल्ट क्लासिक मूवी पर देखना चाहते हो। पाकिस्तानियों के लिए कौन सी बात ला रहा है गदर 2? गदर 2 के राइटर्स को किस बात की उलझन थी? हेलो गाइस, मैं हूं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड बेटर बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो आए दिन फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आती ही हूँ, लेकिन बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आपसे इतना भी नहीं होता, कर दो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। ये खबर हिंदुस्तानियों के लिए तो है ही, पाकिस्तानियों के लिए भी है, और सभी पाकिस्तानी भाइयों को सूचित किया जाता है कि अपने घर के हैंडपम्प, नली, टैंकर सभी संभाल कर रख ले, कानों में डालने के लिए रुई का इंतजाम भी करके रख ले, क्योंकि तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने वाला है। क्यों? क्योंकि गदर 2 आ रही है, शूटिंग शुरू हो गई है। तारा ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है। जिन्हें गदर 2 का नॉस्टैल्जिया है उनके लिए भी, उसके राष्ट्रवाद से एतराज है उनके लिए भी, और जिन्हें सीक्वल के एक्शन का इंतजार है उनके लिए भी। आइए बताते हैं मूवी की वो बातें जो आप जरूर जानना चाहेंगे। कैसे दिखेंगे सनी देओल और अमीषा पटेल के किरदार? तकरीबन पहली मूवी जैसी ही दिखेंगे, थोड़ा एजेड हो गए हैं। हालांकि उनके किरदारों तारा सिंह और सकीना का फर्स्ट लुक भी आ गया है। इसमें सनी के सिर पर सफेद पग है और बदन पर लाल कुर्ता, हाथ में संतरे की पेटी भी। एक बार तो ऐसा लगता है कि तारा सिंह एक्शन कम और प्यार मोहब्बत से ज्यादा चलेगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, ये सनी और अमीषा का लुक है। इस मूवी की कहानी और स्क्रिप्ट पर डायरेक्टर अनिल काफी वक्त से काम कर रहे थे। उनके राइटर्स की टीम इस उलझन में जुटी थी कि सीक्वल में हीरो क्या करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी कोशिशों के बाद स्क्रीन प्ले पूरा हुआ और गदर एक प्रेम कथा की तरह सीक्वल में भी भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर बात होगी और हीरो सनी देओल इस शत्रु देश को थरथरा देंगे। मूवी रश्मि रॉकेट और POW बंदी युद्ध के जैसी सीरीज के स्क्रीन राइटर अनिरुद्ध गुहा ने इस मूवी की कहानी प्रेडिक्ट की है। उन्होंने ट्वीट किया कि तारा और सकीना का बेटा सेना में भर्ती हो गया है। वो एक मिशन पर पाकिस्तान जाता है जहां उसे पकड़ लिया जाता है। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाता है। इस बार दोनों बाप बेटे मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को चित करते दिखाई देंगे। ये वैसे तो एक कयास भर है और संभावना ये भी है कि इस बार दुश्मन देश कोई भी हो सकता है, अफगानिस्तान से लेकर चीन तक कोई भी, लेकिन अनिल शर्मा को अपना टारगेट पाकिस्तान ही अच्छा लगता है। बताओ डायरेक्टर अनिल की पिछली मूवी जीनियस थी जिसमें हीरो का दुश्मन पाकिस्तान ISI ही था।
बाकी गदर 2 की कहानी सटीक तौर पर क्या होगी ये ट्रेलर में या मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है एग्जैक्टली कैसी होगी गदर 2 की कहानी? सो गाइज, आपको अगर आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कल्ट क्लासिक मूवी पर देखना चाहते हो। हो रही है मूवी की मेजर शूटिंग, क्या है गदर 2 की स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा और आपका स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। इंडिपेंडेंस वॉर और खतरा डेफिनेटली एक हिट जेनर है और हमेशा से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिट भी रहे हैं। चाहे फिर बात कर लो लक्ष्य, हाल ही में आई भुज, राजी या फिर एवरग्रीन गदर की। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर मूवी साल 2000 में रिलीज हुई थी और अब इससे DDLJ जैसी बॉलीवुड की क्रीम फिल्म्स का पार्ट माना जाता है। ये स्टोरी थी 1971 की, जब इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन हुआ था और देश में काफी अशांति का माहौल था, पर साथ ही साथ ये लाई थी हम सब की जुबान पे रहने वाला मैं निकला उगड़ी लेके। इस मूवी का हिट होना तो बिल्कुल ही तय था। अब गदर पार्ट 2 की शूटिंग ऑन गोइंग है और ये स्टोरी डायरेक्टली 24 साल के बाद लीप लेती है। जैसे कि अब सब जानते हैं कि गदर में सनी देओल तारा सिंह के कैरेक्टर में नजर आते हैं और साथ ही में नजर आती हैं पाकिस्तान की सकीना यानी अमीषा पटेल। मूवी में दोनों का बच्चा भी होता है जीते। अब ये बच्चा बदल गया है और स्टोरी इसी पर बेस्ड है। अपने माँ बाप से इंस्पायर्ड जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा भी एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार कर बैठते हैं और उसे लेने पाकिस्तान लाहौर के रास्ते जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कहा कोशिश, वहाँ इसे पाकिस्तान की आर्मी पकड़ लेती है और टोपे के सामने बांध देती है और पनिशमेंट के तौर पर इसकी जान लेने वाली होती है कि अचानक एक फरिश्ता सामने खड़ी सोल्जर्स की भीड़ में से बोलता है कि इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी होनी चाहिए। तब जीता चलाक बन के अपने बाप तारा सिंह से मिलने की आखिरी इच्छा मांग लेता है। इसी के साथ होती है सनी देओल की सीन में धमाकेदार एंट्री। दोनों बाप बेटे एक्शन सीन में इंडल्ज हो जाते हैं और मूवी के विलन पाकिस्तान के जनरल मनीष वाडवा को हरा देते हैं। मूवी को एक हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, पर ये तो हम सब जानते हैं कि मूवी की एक्चुअल हैप्पी एंडिंग तो बॉक्स ऑफिस पर ही मुमकिन है। मूवी के क्लाइमेक्स में जूनियर आर्टिस्ट कुर्ता पजामा और टोपी में दिखाई देते हैं, जिसे लाहौर के सीन में क्रिएट किया गया है। गदर 2 की कहानी, इसकी शूटिंग के लिए लखनऊ की मार्टिनी कॉलेज और बैटल ग्राउंड को बना दिया गया है। मैंने बिल्डिंग कंस्टांटिया को पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर बनाने के लिए कॉलम पे पाकिस्तानी झंडा भी लगाया है और मिलिट्री जीप्स को खाकी कलर में भी रंग दिया है। अब इसके अलावा सीतापुर का महमूद स्टेट का कोरी, मलिदाबाद और छोटा इमरादाबाद कुछ और शूटिंग लोकेशंस हैं। क्या सीन्स बढ़ाएंगे दिल की धड़कन, क्या स्टंट्स पड़ेंगे महंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। भले ही मूवी का नाम गदर एक प्रेम कथा हो, पर इस मूवी में जानलेवा एक्शन दिखाया गया जो एक एक्शन मूवी में खास तौर पर दिखाया जाता है। मतलब मूवी हमें हर एक एंगल से दिखाई गई। कई ऐसे सीन्स थे जिन्हें इमेजिन करना भी मुश्किल था। ये सीन देखते हुए ऑडियंस की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी मूवी को एक्शन ड्रामा मूवी बनाने की, क्योंकि ये कहानी पार्टनरशिप के दौरान की थी जहाँ पर एक कपल की लव स्टोरी फंसी थी। उसी दौरान एक्शन ने ही तो असली गदर मचाया है और अभी इसे भी बढ़िया हंगामा सीक्वल में देखने को मिलेगा। अनिल ने तैयारियां जो ऐसी की हैं, जिस तरह उन्होंने छोटे जीते और तारा सिंह के साथ ऐसे खतरनाक एक्शन सीन शूट करवाए, उसी तरह सीक्वल में भी करवाएंगे। वैसे सनी पाजी को तो आदत है, पर उत्कर्ष शर्मा, उनका क्या होगा, उनके लिए तो ये नया एक्सपीरियंस है।
हाँ वैसे उनके पापा ही हैं, पर उनके पापा के अंदर डायरेक्टर घुस गया तो समझो वो बेटे को भी नचाएगा। अपनी बेटी की तरफ करते हुए उन्होंने कहा, अपने बेटे की तारीफ करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि गदर में ट्रेन का सीन शूट कर रहे थे, उसमें तारा और जीते का एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर छलांग लगानी थी। ट्रेन 40 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी और वो छलांग लगाते हुए छोटे उत्कर्ष सनी के कंधे पर थे। अब इतना खतरनाक सीन शूट करते वक्त अनिल की हालत खराब हो गई, उनके पसीने छूट गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब ट्रेन रुकी और कट की आवाज आई तो उन्होंने देखा कि उत्कर्ष सनी के साथ खेल रहे थे और तभी उनकी जान में जान आई। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आप कहेंगे कि क्या ऐसा होता है बाप जो बच्चे की जान के साथ खेले। वैसे देखा जाए तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी डायरेक्टर का बेटा होने का, क्योंकि मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डायरेक्टर किसी की जान के साथ खेल नहीं सकता, उसी तरह किसी को पैम्पर नहीं कर सकता। अब सोचिए कि उस जमाने में अगर खतरनाक स्टंट शूट किए गए होंगे तो इस बार क्या होगा। इस बार दोनों बाप बेटे एक्शन सुपरस्टार्स की तरह दुश्मनों से लड़ेंगे और वापस इंडिया आएंगे। वैसे गदर में कुछ सीन्स ऐसे भी दिखाए गए थे जो कि सिर्फ मूवी के लिए नहीं थे, जैसे कि इंसानों को जिंदा जलाना। सच में वहां सेफ्टी के साथ लोगों को जलाया गया था ताकि एक रियलिस्टिक फील आए। तो इस बार हमें सुपर हंगामा देखने को मिलेगा जिसमें उत्कर्ष के स्टंट्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वही तो कहानी को आगे लेकर जाएंगे। ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई होगी। सालों बाद मूवी का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। क्या मूवी की कहानी एक फिक्शनल प्लॉट है? क्या एक बार फिर सनी देओल छा जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदरू मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। गदर एक प्रेम कथा, एक ऐसी ऐतिहासिक मूवी है जिसे लोग आज भी देखना चाहते हैं और इसका क्रेज इतना है कि लोग हर संडे सैटरडे को इसे देख ही लेते हैं जी सिनेमा पर। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ साथ नेम और फेम भी कमाया और अब 21 सालों बाद इस मूवी का पार्ट 2 बने जा रहा है, यानी 2 दशक बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी इतने सालों बाद क्यों बन रही है, तो आपको बता दूं कि पार्ट 1 की कहानी रियल स्टोरी पर बेस थी जो हकीकत में इंडिया में घटी एक प्रेम कहानी से इंस्पायर थी। लेकिन जब इस मूवी का पार्ट 2 आ रहा है जिसे आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए राइटर को स्क्रिप्ट लिखने में इतना समय लगा। अब जब दोस्त बात इस मूवी के पार्ट 2 की निकली है तो क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, आइए ये भी जानते हैं। अरे आज की जनरेशन की पसंद को एनालाइज किया जाए तो इस जनरेशन के लोग ज़्यादातर कॉमेडी या फिर हाईटेक एक्शन देखना पसंद करते हैं, लेकिन सनी देओल तो हमारे भारी भरकम डायलॉग्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में क्या आज की जनरेशन इनकी मूवी से कनेक्ट कर पाएगी? लेकिन फिर बात जब भारत और पाकिस्तान से जुड़ी मूवी की आती है, फिर हमारी ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड नज़र आती है उस मूवी को लेकर। और गदर तो एक आइकॉनिक मूवी है, इसके सीक्वल से वैसे ही काफ़ी उम्मीदें हैं सबको, क्यों आपको भी है ना। तो इसी बीच एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जब पहला पार्ट ऑलरेडी बेस्ट था, कंप्लीटेड था और उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई थी, तो पार्ट 2 मूवी में आगे क्या होगा? तो आपको बता दूं कि ये बात सच है कि मूवी की आगे आने वाली कहानी फिक्शनल होगी, लेकिन एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ एक्स्ट्रा एक्शन भी हमें देखने को मिलेंगे। और इस मूवी की कितनी कहानी इमेजिनेशन पर है ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो पहले ही क्लियर है वो मूवी में सकीना के पिता अशरफ अली का किरदार। जी हाँ, 21 साल पहले ये किरदार लीड एक्टर अमरीश पुरी जी ने निभाया था, वहीं अब इस किरदार में हमें जैकी श्रॉफ, पंकज त्रिपाठी या फिर बैड बॉय गुलशन ग्रोवर दिखाई दे सकते हैं। इन तीनों में कौन बाजी मारेगा इसका जवाब तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिल ही जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए गदर के ऑडिशन की कहानी। क्या डायरेक्टर थे अमीशा के परफॉर्मेंस से नाखुश? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदरू मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। अमीशा पटेल जिस तरह से अपनी आने वाली मूवी गदरू का प्रमोशन कर रही है, सबको एक्साइटमेंट के साथ बता रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ऑडियंस से ज़्यादा वो खुद ही मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं।
वैसे एक्टर्स की अपील और ऑडियंस की एक्साइटमेंट को देखकर तो मूवी काफी बड़ा धमाका करेगी ये नजर आ रहा है। सनी पाजी और अमीषा की जोड़ी फिर से एक बार देखने को मिलने वाली है। उनके फैंस के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अमीषा फिल्मी दुनिया से कब से गायब थी ये बताना भी मुश्किल हो रहा है, और अब कमबैक कर रही है काफी गैप के बाद। पर गदर एक आइकॉनिक मूवी थी जिसकी वजह से फैंस अभी तक उन्हें नहीं भूले। वैसे भी अमीषा के करियर में सकीना का किरदार हमेशा नंबर वन पर रहेगा, पर कहते हैं ना, पर्दे पर दिखने वाली हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होती है, काफी मेहनत होती है, स्ट्रगल होता है। देखा जाए तो लंबे समय बाद मीडिया को फेस करना, सेट पर आना, ये किसी स्ट्रगल से कम नहीं, और ये चीज अमीषा ने कर दिखाया। पर क्या आपको पता है कि गदर मूवी के दौरान भी उन्हें आसानी से रोल नहीं मिला था। इस मूवी के लिए डायरेक्टर अनिल शर्मा कई ऑडिशंस दे रहे थे। लगभग 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया, पर फिर भी कोई उन्हें पसंद नहीं आई और वह काफी परेशान थे। ऑडिशन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि एक बड़ी एक्ट्रेस ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उन 500 लड़कियों में अमीषा का ऑडिशन बेहतरीन रहा, उन्हें सेलेक्ट किया गया। अमीषा आज भी कहती हैं कि गदर टू मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसकी वजह से बॉलीवुड में मुझे पहचान मिली। मैं अपने हर किरदार और मूवी के लिए 100% से कम मेहनत नहीं करती, क्योंकि हर मूवी में हर एक्टर सुपरहिट की तलाश में होता है। वैसे उनके इसी कॉन्फिडेंस और स्ट्रगल की वजह से उनका परफॉर्मेंस अनिल को पसंद आया, और फिर देखी ब्यूटीफुल ऑडियंस को इमोशनली एंगेज वाली सकीना। अब अमीषा गदर 2 में नजर आएंगी एक अलग अंदाज में, और इस बार तो उनका सासू माँ का प्रमोशन तो फिक्स है, क्योंकि उनका छोटा जीते यानी उत्कर्ष शर्मा जवान हो गए हैं। वो भी अपनी माँ की तरह लाएंगे एक खूबसूरत हसीना। अब वो कौन होगी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये खबर? वैसे वो एक्ट्रेस कौन थी जिसने सकीना का किरदार ठुकराया? पाकिस्तानी फैंस ने डायरेक्टर को किसे देखकर हुए पागल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट उशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म कहलाई जाने वाली गदर एक प्रेम कथा किसी ने भी नहीं देखी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो फिल्म 100 फिल्म के बराबर है, और ये सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी कबूल कर चुके हैं। अब उतना ही बड़ा आविष्कार हमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी खुद फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा दे रहे हैं। सनी, अमीषा, उत्कर्ष और अनिल मिलकर वो हर एक एलिमेंट डालकर फिल्म की खूबसूरती बढ़ाएंगे जो ऑडियंस ने इमेजिन भी नहीं की होगी। पर सीक्वल बढ़िया बनाने के पीछे पहली फिल्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो अच्छी नहीं होती तो ऑडियंस इतनी एक्साइटेड नहीं होती है, और जहाँ तक भारत पाकिस्तान पार्टीशन दिखाया गया हो और दिखाया जाएगा तो ऑडियंस तो वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग देश तो ज़रूर हैं पर इनके बीच के अंगारे कभी बुझने नहीं वाले, तो फिर से एक बार हंगामा होगा पाकिस्तान में भी। पर इन सब के बीच डायरेक्टर ने अलग ही किस्सा सुना दिया जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। गदर फिल्म के दौरान का ये एक इंसिडेंस है। अनिल अपने बेटे और परिवार के साथ पेरिस गए थे, तो वहाँ के एक रेस्टोरेंट में रुके थे, और तभी वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे। जब किसी ने बताया कि ये गदर के डायरेक्टर हैं और इनके बेटे ने जीते का काम किया है, तो वो सब काफ़ी खुश हुए, अनिल के पास आकर उन्हें बधाइयाँ देने लगे, और जीते को देखकर उन पर पागलपन ही सवार हो गया, क्योंकि फिल्म का वो क्यूट बच्चा उनके सामने है इस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। और सबसे हंगामे वाली बात यह है कि वो जिस रेस्टोरेंट में रुके थे 2 महीने तक, वहाँ के मालिक ने उनसे पैसे नहीं लिए क्योंकि वो उनके बड़े फैन थे, और हर रोज़ कोई ना कोई जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा की तारीफ करने आ ही जाता था। अब बच्चे तो सबको पसंद होते हैं, पर अगर वो फिल्मों में काम करने वाले बच्चे हों तब तो कोई रोक ही नहीं सकता खुद को। और इस पर अनिल ने ये बताया कि उन्हें एक पॉइंट के बाद काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वो वहाँ बिना पैसे दिए वहाँ पर खाना खा रहे थे। पाकिस्तानी फैंस आकर उनसे ये कहते थे कि आपकी फिल्म काफ़ी अच्छी है। वैसे तो दोनों देशों में काफ़ी बड़ी दरार है, पर ये फिल्म हम ज़रूर देखते हैं, हमें काफ़ी पसंद है। वैसे हमारी तरह ही अनिल को खुद के कानों पर विश्वास हो ही नहीं रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी इंसान उनसे आके ये सब कहेंगे ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और वैसे भी फिल्म के रिलीज के बाद सनी देओल को पाकिस्तान में बैन किया गया था, इस लेवल तक गर्माहट बढ़ गई थी। पर कोई ऐसे रिएक्शन आकर देगा और एक डायरेक्टर को इतना प्यार मिलेगा ये तो अनिल ने सोचा ही नहीं था।
तो आपको भी हैरानी हुई ना कि पाकिस्तान में भी लोग फिल्म को इतना प्यार देते हैं सुनकर। वैसे अच्छी बात है, बॉलीवुड की कुछ ही ऐसी फिल्म है जिन्हें भारत के बाहर भी प्यार मिलता है। तो क्या इस बार भी फैंस प्यार देंगे? हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन सी है गदर ड्रेसी हॉलीवुड वॉर ड्रामा मूवीज? क्या होता गदर का अल्टरनेटिव प्लॉट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर शर्मा की, जो गदर 2 के जरिए अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हम आपको हॉलीवुड की बेस्ट वॉर ड्रामा मूवीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उत्कर्ष शर्मा मूवी निर्माता अनिल शर्मा के बेटे हैं, जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। और अब इसी मूवी के दूसरे पार्ट में वो हमें एज अ एडल्ट और लीडिंग एक्टर नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने 2018 में एक्शन थ्रिलर मूवी जीनियस से अपना डेब्यू किया था। ये मूवी भी उनके पिता अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट की थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रंग नहीं जमाया। मूवी की कहानी अच्छी थी लेकिन फिर भी मूवी सुपरहिट नहीं रही। इसके बाद उत्कर्ष शर्मा किसी भी मूवी में नजर नहीं आए और अब इस साल वो फिर से अपने पिता की ही मूवी गदर 2 में एज अ लीडिंग एक्टर आने वाले हैं। इस पर से हम ये कह सकते हैं कि उत्कर्ष के लिए गदर 2 काफी इम्पोर्टेंट है। ये मूवी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इस मूवी से उनका नेम एंड फेम बढ़ जाए और उनकी डूबती नैया किनारे लग जाए, क्योंकि गदर 2 एक मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है और उत्कर्ष की एक्टिंग स्किल्स अच्छी है। वॉर मूवीज के लिए दर्शकों का एक अलग ही क्रेज होता है, फिर वो चाहे बॉलीवुड की हो, साउथ इंडियन हो या हॉलीवुड की। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो उसमें भी गदर जैसी कई वॉर ड्रामा मूवीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी, जैसे कि 1997 की लाइफ इज ब्यूटिफुल, 2007 की अटोनमेंट, 2019 की द किंग, 1939 की गॉन विद द विंड और 1994 की लेजेंड्स ऑफ द फॉल। ऐसी मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं। अगर हम गदर के अल्टरनेटिव प्लॉट की बात करें तो क्या होता अगर आखिर में जब अशरफ अली ने सकीना को गोली मारी और जब वो कोमा में चली जाती है तब मूवी के आखिर तक उसे होश ही नहीं आता और इस बात का बदला लेने के लिए तारा सिंह अशरफ अली को मार देता, लेकिन उसके बाद वो मोस्ट वांटेड बन जाता है और उस पर कई जानलेवा हमले होते हैं और उस लड़ाई में उसका बेटा जीते उससे अलग हो जाता है और मूवी के एंडिंग में हम तारा को अपने बेटे को ढूंढते हुए देखते हैं और फिर उसे सकीना को कोमा वाली सिचुएशन में लेकर ही किसी सेफ प्लेस पर जाते हुए देखते हैं। अगर ऐसी कहानी होती तो पार्ट 2 में हमें सकीना कोमा में नजर आती और तारा एक आखिरी बार अपने बेटे को उसकी माँ से मिलाने के लिए उसे ढूंढने जाते, लेकिन उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी क्योंकि उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की ही पुलिस ढूंढ रही है। इस अल्टरनेटिव प्लॉट के बारे में आपके क्या ख्याल है? वाला है हिंदी सिनेमा की मोस्ट वॉच्ड फिल्म का सीक्वल, क्या गदर 2 द कथा कंटिन्यूज फिर से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलेगी? क्या फिर अनिल शर्मा देंगे बॉलीवुड को एक गदर फिल्म? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। जी हां दर्शकों, ऊपर आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने की खबर चर्चा में आ गई है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की दमदार एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इसके प्रोड्यूसर थे नितिन केनी। फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि एक बार फिर इसके सीक्वल रिलीज होने की बात शुरू हो गई है। जी स्टूडियोज के अंडर प्रोड्यूस्ड हुई ये फिल्म 19 करोड़ के बजट के साथ रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 133 करोड़ पार कर गया था। 5.5 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में देखा था। तो हुई ना ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वॉच्ड मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की।
फिल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेतर दुबे। साथ ही डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। सनी देओल और अमीषा पटेल नवंबर 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में साथ दिखाई दिए थे और अब आने वाली अगली फिल्म है गदर 2, जिसमें फिर दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। 2018 में अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म डायरेक्ट की, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। इस फिल्म में लीड रोल में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा रहे, जो एक बार फिर गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ नजर आएंगे। गदर फिल्म के नाम से ही सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले आइकॉनिक सीन से लेकर उनके दमदार डायलॉग तक उनके फैंस के दिलों में तरोताजा हो जाते हैं। फिल्म गदर एक पार्टीशन सेट ड्रामा है, जिसमें सनी देओल एक इंडियन सिख तारा सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जबकि अमीषा पटेल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया था। वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने बाल कलाकार के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभाया था। खबरों की माने तो सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशंस दिए थे, जिसमें से अमीषा पटेल को इस रोल के लिए चुना गया था। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक वो इस फिल्म के सीक्वल पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, 15 सालों से। हालांकि अभी तक फिल्म में सनी और अमीषा की केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, पर गदर के फैंस को उनके सीक्वल में अमरीश पुरी की बहुत याद आएगी। साथ ही पहली मूवी गदर के नरेटर ओम पुरी की भी कमी महसूस जरूर होगी। 15 अक्टूबर 2021 को इस सीक्वल फिल्म के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके साथ साथ एक मोशन पोस्टर भी देखने को मिला था, जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की स्टारिंग हमें देखने को मिली थी। फिल्म के पोस्टर से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब फैंस के दिलों में आ गई थी। खैर, अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब भारत और पाकिस्तान के दो प्रेमियों की कहानी बड़े पर्दे पर गदर मचाने उतर जाएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस गदर मचने वाली मूवीज को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वाला है हिंदी सिनेमा की मोस्ट वॉच्ड फिल्म का सीक्वल, क्या गदर 2 द कथा कॉन्टिन्यूज फिर से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलेगी? क्या फिर अनिल शर्मा देंगे बॉलीवुड को एक गदर फिल्म? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। जी हां दर्शकों, ऊपर आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज में से एक गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लॉन्च होने की खबर चर्चा में आ गई है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा हिंदी सिनेमा इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की दमदार एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं इसके प्रोड्यूसर थे नितिन केनी। फिल्म ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े थे कि एक बार फिर इसके सीक्वल रिलीज होने की बात शुरू हो गई है। जी स्टूडियोज के अंडर प्रोड्यूस्ड हुई ये फिल्म 19 करोड़ के बजट के साथ रिलीज हुई थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 133 करोड़ पार कर गया था। 5.5 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में देखा था। तो हुई ना ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वॉच्ड मूवी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में थे सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी और लेतर दुबे। साथ ही डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। सनी देओल और अमीषा पटेल नवंबर 2018 में फिल्म भैया जी सुपरहिट में साथ दिखाई दिए थे और अब आने वाली अगली फिल्म है गदर 2, जिसमें फिर दोनों साथ काम करते हुए नजर आएंगे। 2018 में अनिल शर्मा ने जीनियस फिल्म डायरेक्ट की, जिसके प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। इस फिल्म में लीड रोल में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा रहे, जो एक बार फिर गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ नजर आएंगे। गदर फिल्म के नाम से ही सनी देओल के हैंडपंप उखाड़ने वाले
आइकॉनिक सीन से लेकर उनके दमदार डायलॉग तक उनके फैंस के दिलों में तरोताजा हो जाते हैं। फिल्म गदर एक पार्टीशन सेट ड्रामा है जिसमें सनी देओल एक इंडियन सिख तारा सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे, जबकि अमीषा पटेल ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की सकीना का किरदार निभाया था। वहीं डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने बाल कलाकार के तौर पर सनी और अमीषा के बेटे का रोल निभाया था। खबरों की माने तो सकीना के रोल के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशंस दिए थे, जिसमें से अमीषा पटेल को इस रोल के लिए चुना गया था। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक वो इस फिल्म के सीक्वल पर 15 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, 15 सालों से। हालांकि अभी तक फिल्म में सनी और अमीषा की केमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, पर गदर के फैंस को उनके सीक्वल में अमरीश पुरी की बहुत याद आएगी। साथ ही पहली मूवी गदर के नरेटर ओम पुरी की भी कमी महसूस जरूर होगी। 15 अक्टूबर 2021 को इस सीक्वल फिल्म के रिलीज होने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके साथ साथ एक मोशन पोस्टर भी देखने को मिला था, जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की स्टारिंग हमें देखने को मिली थी। फिल्म के पोस्टर से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस वाइब फैंस के दिलों में आ गई थी। खैर, अब फैंस को इंतजार है उस पल का जब भारत और पाकिस्तान के दो प्रेमियों की कहानी बड़े पर्दे पर गदर मचाने उतर जाएगी। क्या डायरेक्टर को भी रहना पड़ेगा सावधान, क्या ऑडियंस को नहीं हुआ सब्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। जब भी गदर मूवी का नाम लिया जाता है तब नजरों के सामने आते हैं सनी देओल, मतलब 2.5 किलो का हाथ, और सनी को देखकर याद आती है गदर की। इसका मतलब जब सनी अपने करियर की आखिरी मूवी भी साइन करेंगे तब भी गदर का रुतबा कम नहीं होने वाला है, और अब तो वो रुतबा दुगना होने वाला है क्योंकि जल्द गदर 2 रिलीज होने वाली है। पर अब क्या सनी को मूवी का क्रेडिट शेयर करना पड़ेगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सनी अकेले मूवी में नहीं है, इनका बेटा चरणजीत भी होगा इनके साथ, जो एक सैनिक बनने वाला है। गदर मूवी का क्यूट चीते यानी एक्टर उत्कर्ष शर्मा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, उत्कर्ष मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। पर सिर्फ यही इनकी आइडेंटिटी नहीं है, इन्हें हमने देखा था मूवी जीनियस में, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर ऑडियंस की मुलाकात एक फ्रेश फेस से हुई और उत्कर्ष की परफॉर्मेंस की तारीफ भी की गई। अब ये सीक्वल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड हैं और उन्हें मूवी की कहानी का अंदाजा भी है। वैसे उत्कर्ष को लेकर भी काफी व्यूज सामने आए हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल ने उत्कर्ष को प्रॉमिसिंग एक्टर कहा है। इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी फिजिक और एक्टिंग स्किल्स पर काफी काम किया है, क्योंकि अब सीक्वल में इन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यही तो कहानी को आगे ले जाएंगे। उत्कर्ष ने अपने लुक पर्सनालिटी के लिए जिम में काफी पसीना बहाया है, जिसकी वजह से ऑडियंस उन्हें काफी अच्छे रिव्यूज दे रही है। वैसे उनके पापा अनिल शर्मा अपने बेटे के करियर को लेकर काफी एक्साइटेड है और नर्वस भी है, क्योंकि एक तो उनके ऊपर गदर 2 का प्रेशर है तो दूसरी तरफ बेटे के करियर का प्रेशर। मूवी प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने उन्हें यही सलाह दी कि ये रिकॉर्ड ब्रेक मूवी पर काम करने वाले हैं तो उन्हें कंटेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उनके कंटेंट में दम होगा तो इस मूवी को जस्टिस मिल पाएगा। आरजे अनुराग पांडे ने बधाई देते हुए सावधानी से काम करने की सलाह दी है। वेल, मूवी का काम लगभग पूरा हो चुका है, पर इन सब की सलाह के बाद जितना कुछ बचा होगा उसमें अनिल जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, आखिर ये उनकी ही जो मूवी ठहरी। पर ये सलाह देने के पीछे उनका काम जिम्मेदार है, उन्होंने मूवी बनाई ही ऐसी है जिसे ऑडियंस दीवानी हो गई। आप ये सुनकर हैरानी हो जाएंगे कि जब गदर मूवी रिलीज हुई थी तब उस वक्त सुबह 6 बजे से ऑडियंस थिएटर के बाहर खड़ी रहती थी, थिएटर खुलने का इंतजार करते हुए, मतलब सोचिए कि कितना क्रेज था और अभी भी है। इसलिए महंगाई की तरह दिन ब दिन सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है मूवी को लेकर। क्या ये मूवी सीक्वल होगी या प्रीक्वल? क्या होगी इस मूवी की स्टार कास्ट? क्या गदर 2 की कहानी रिलीज से पहले हुई लीक? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राम स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा शायद ही किसी ने नहीं देखी होगी।
इस फिल्म में एक तरफ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दिखाया गया था, तो साथ ही सकीना और तारा की खूबसूरत लव स्टोरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में सकीना के किरदार में अभिनेत्री अमीषा पटेल और तारा के किरदार में सनी देओल नजर आए थे। वहीं अब सालों बाद बड़े पर्दे पर अमीषा पटेल और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से धमाल मचाने आ रही है। जी हाँ, गदर का सीक्वल यानी कि गदर 2 में अमीषा पटेल और सनी देओल एक साथ फिर से नजर आएंगे। पूरे 20 साल बाद सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी। बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल गदर ने बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के मामले में कीर्तिमान स्थापित किए थे। भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई एक प्रेम कहानी को इस फिल्म में प्रमुखता से दिखाया गया था। गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को लेने पाकिस्तान जाता है, लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार नई कहानी अलग होने वाली है। इस बार तारा पाकिस्तान सकीना के लिए नहीं बल्कि किसी और को लेने जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार सनी देओल अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए पाकिस्तान जाएंगे। हम आपको बता दें कि गदर 2 में वही कास्ट है जो गदर में थी। इसमें अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ दिखाई देंगे उत्कर्ष शर्मा। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे के रोल में नजर आएंगे। वहीं गदर 2 की शूटिंग का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद अनिल शर्मा अपने 2 की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा सनी देओल का कमबैक? क्या गदर 2 हिट हो पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाद वापसी कर रहे हैं सनी देओल, कहां तक पहुंची फिल्म की स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर एक प्रेम कथा का नाम सुनते ही याद आता है सनी देओल और अमीषा पटेल की लव केमिस्ट्री, और उसी के साथ उनके छोटे बेटे जीते का मासूम चेहरा, जो फिल्म का अट्रैक्शन भी रहा था। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इसके पार्ट 2 के लिए दर्शकों को 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि गुड न्यूज ये है कि अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट बनने जा रहा है और इसकी आधी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब जल्द ही फिल्म को बड़े पर्दे पर देखा जाएगा। इस फिल्म के साथ साथ हमें एक बार फिर से अमीषा पटेल के मासूम चेहरे के दर्शन होंगे, जो कहीं गुम हो गया था। अमीषा कहुना प्यार के समय से ही सबकी चहेती चुलबुली एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन वो आज एक बोल्ड एक्ट्रेस बन चुकी है सोशल मीडिया पर। कभी बिकनी तो कभी शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर शेयर करती रहती है, लेकिन गदर की सकीना सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की है, यानी अब उन्हें इस अवतार में फिर से देखना आंखों को ठंडक देने जैसा होगा। तो अब आप मेरे साथ आज से 21 साल पहले चलिए और मेरे साथ सफर कीजिए गदर एक प्रेम कथा की कुछ चटपटी बातों का। आपको बता दे कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी उस टाइम इस फिल्म का गाना उड़ जा काले कावां सुपरहिट हुआ था। हालांकि फिल्म के सभी गाने हिट रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने कितने मुश्किलों का सामना किया था? क्योंकि जब भी ये गाना शूट की जाने की कोशिश हो रही थी उस दौरान मौसम बार बार करवटें ले रहा था और इस वजह से इस गाने को शूट करने में ज्यादा वक्त लगाया गया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म का गाना सुपरहिट हो गया। वहीं एक और सवाल बनता है, आप सोच रहे होंगे कि सनी देओल इतने सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहां गायब रहे, और क्या अभी भी उनकी फिल्म का पब्लिक के बीच उतना ही क्रेज है जितना आज से 23 साल पहले था? तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि सनी देओल चाहे कितनी भी दूर हो जाए फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन वो हमसे सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं और उनकी जिंदगी में जो भी होता है वो अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। हालांकि उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि उनकी फिल्म बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है। अगर फिल्म की शूटिंग की बात करें तो फिल्म ओवरऑल कंप्लीट होने वाली है, प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2023 तक रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक फिल्म मेकर्स ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। ऐसे फिल्म को लेकर हुआ विवाद, कितना बजट है इस फिल्म का, कब होगी फिल्म की रिलीज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। गदर फिल्म 2001 की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक थी,
जिसे आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। ये फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन पर बेस्ड है। फिल्म में भारत और पाकिस्तान की बात हो और जनता देखना ना चाहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही 90s के हीरो सनी देओल इस फिल्म से बहुत ही पॉपुलर हुए थे और इसके साथ ही साथ इस फिल्म में पहली बार लीड हीरोइन का किरदार निभा चुकी अमीषा पटेल को लोगों ने बहुत सराहा था। लेकिन उसके बाद हमें अमीषा पटेल और सनी देओल की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली। हालांकि अब पब्लिक के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 गदर द कथा कंटिन्यू बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में एक बार फिर से हमें इन्हीं दोनों एक्टर्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार दर्शक वर्षों से कर रहे थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और इस फिल्म की लोकेशंस की बात करें तो ये फिल्म भी वहीं शूट की जा रही है जहां इसका पहला पार्ट शूट हुआ था। पालमपुर के भलेंड गांव में 10 दिन तक सनी देओल और अमीषा पटेल की मूवी गदर 2 की शूटिंग हुई। फिल्म की शूटिंग के कई मुख्य सीन पालमपुर में फिल्माए गए। कांगड़ा के पालमपुर के भगेड़ गांव में फिल्म के शूटिंग के दौरान 10 दिन तक लाइट कैमरा एक्शन की आवाज से गांव गूंज रहा था, जिसे देखने के लिए दूसरी जगहों से भी लोग आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में विवाद किस बात का हुआ। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस मकान में फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके मकान मालिक को फिल्म मेकर्स के साथ रेंट को लेकर विवाद हो गया था। मकान मालिक की माने तो फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कैमरे और एक हॉल के इस्तेमाल के लिए 11,000 प्रतिदिन की बात हुई थी, लेकिन फिल्म में पूरे घर के साथ 2 कर्नल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर जब घर के मालिक ने सारा बजट बनाकर नुकसान सहित 56 लाख रुपए की फीस बनाई, जिस पर विवाद छिड़ गया। हालांकि विवाद होने के बाद भी फिल्म की शूटिंग तो हो ही गई और फिल्म मेकर्स वहां से जा भी चुके थे। गदर 2 फिल्म के बजट से पहले हम बात करते हैं गदर एक प्रेम कथा का बजट कितना था। इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 9 करोड़ था। हालांकि अगर हम गदर 2 फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इसके बजट को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट पहली फिल्म से दुगना होगा। नवाज ने गदर 2 के हीरो को क्यों छोड़ना पड़ा था उत्कर्ष को गदर 2 के लिए देश। हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म गदर को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल हमें दिखाई दिए थे, साथ ही साथ ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। लोगों को इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई थी। सनी देओल को पाकिस्तान में गदर मचाते दिखाया गया जो दर्शकों को खूब भाया। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे थे चाइल्ड एक्टर उत्कर्ष शर्मा। मूवी में उत्कर्ष शर्मा का नाम चरणजीत था और लोगों को इनका किरदार खूब पसंद आया था। उत्कर्ष शर्मा अब 27 साल के हो चुके हैं और काफी हैंडसम दिखते हैं। वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दे कि उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। गदर फिल्म का असर ऐसा था कि इस फिल्म ने सनी देओल और अमीषा पटेल के करियर को एक बड़ा उछाल दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा था? तो वो थे उत्कर्ष। उत्कर्ष ने इस फिल्म से जब पॉपुलैरिटी गेन कर ली तो अनिल शर्मा ने उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। वो वहाँ पे 4 साल रहे। वहाँ से लौटने के बाद उन्हें बतौर हीरो लॉन्च करने पर काम शुरू हुआ। फिल्म जीनियस से उन्होंने डेब्यू किया, बट फिल्म से कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। अब उत्कर्ष जल्द ही गदर 2 के सीक्वल में हमें नजर आने वाले हैं। एक सैनिक की भूमिका में उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं और उन्हीं को बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हम तो उत्कर्ष को सोल्जर के किरदार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या गदर की रियल स्टोरी पर ये बेस्ड है गदर 2? गदर 2 की कहानी कैसे मिलती है बजरंगी भाईजान की कहानी से? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुत ही चर्चित फिल्म थी, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे। वही इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे लव स्टोरी पर बेस्ड थी।
गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया है जो एक असली कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की। ये वही समय है जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बता दें, एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर अचानक एक लड़की पे पड़ती है जो भागी दौड़ी उसकी तरफ आ रही थी और कुछ लड़के उस लड़की के पीछे पड़े थे और वो लड़की बूटा सिंह से मदद मांग रही थी। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में था। जब उस लड़की को फिर उस बूटा सिंह से प्यार हो जाता है और आगे चलकर वो दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पाकिस्तान जा चुकी जैनब के घर वाले को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा सिंह और उसकी बेटी हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी और दर्दनाक मोड़ तब ले लेती है जब बूटा पाकिस्तान पहुंच जाता है जैनब से मिलने। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। वहां पे बूटा उससे काफी मिन्नतें करता है उसके साथ हिंदुस्तान चलने के लिए, पर जैनब उसे मना कर देती है। जैनब के ना कहने से टूटा बूटा लाहौर के ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गदर की कहानी को रियल कहानी से हटकर बनाने के लिए इसमें तारा को फौजी नहीं बनाया गया और न ही सकीना की जैनब की तरह दूसरी शादी करवाई गई। गदर में प्यार और फैमिली के लिए सारी हदों को पार करते हुए दिखाया गया है। गदर 2 जब आ रही है तो उसमें उत्कर्ष उर्फ जीते एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे देखकर ये कहीं ना कहीं लग रहा है गदर 2 की कहानी भी पहले पार्ट से इंस्पायर्ड है। गदर 2 की कहानी की शूटिंग हिमाचल में स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि पहले पार्ट की कहानी में बूटा सिंह एक सैनिक था और अब उत्कर्ष एक सैनिक है। तो इस कहानी में ये हो सकता है जब वॉर के टाइम जो लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान रह गए थे उन्हें जीत एक अच्छे सिपाही की तरह वापस उनके देश छोड़ कर आएगा और वहाँ पहुँच कर जीते को खुफिया जासूस समझकर हिरासत में ले लिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था बजरंगी भाईजान में, जब सलमान खान मुन्नी को छोड़ने जाते हैं तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं, अगर बजरंगी भाईजान के पास देश का साथ था तो जीत के पास उसके पिता का साथ है और उनके पिता का किरदार निभाने वाले हैं सनी देओल। लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब पाकिस्तानी सरकार को ये पता चलेगा कि तारा कोई आम इंसान नहीं है। ये वही सकीना का पति है जो उसे सरकार के नाक के नीचे से ले गया था और अब तो बात उसके बेटे की है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अभिनेता तो सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसे लोगों ने ढेर सारा प्यार भी दिया था और जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस जोड़ी को भी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था और अब 20 साल पूरे होने पर इस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है जो कि है गदर 2, जिसमें इस जोड़ी की वापसी करते हुए आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। फिलहाल गदर 2 की पूरी टीम हिमाचल में रुकी हुई है और हिमाचल की हसीन वादियों में इसका शूट किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के एक्टर यानी कि सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमेज शेयर की है जहां उन्हें तारा सिंह के अवतार में देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जब उन्होंने वो इमेज शेयर की उन्होंने उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ऐसे अद्भुत पात्रों को जीने का वापस मौका मिलता है और साथ ही 20 साल बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तारा से। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसके पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद। इस पोस्ट को देखते हुए सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि पाजी अब जल्दी से शूटिंग खत्म कीजिए क्योंकि हम आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म यानी कि गदर 2 रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी कहा कि फिल्म की शूटिंग हिमाचल में हो रही है तो यह पालनपुर के एक छोटे से गांव भलेड़ में हो रही है, जिसके लिए मेकर्स ने एक प्रॉपर्टी मालिक से उनकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए 11,000 में बात की। लेकिन अब प्रॉपर्टी के मालिक ने लाखों का बिल थमा दिया है। प्रॉपर्टी मालिक का कहना है कि इन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। प्रॉपर्टी मालिक का ये दावा है कि मेकर्स ने उन्हें सिर्फ 3 कमरे और 1 हॉल की बात की थी जिसके लिए उन्होंने 10 दिन का किराया 11,000 लगाया। लेकिन अब उनका कहना है कि मेकर्स उनके पूरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं
और इतना ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी शूटिंग में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के बीच काफी कुछ दिक्कतें आई हैं और इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर के मेकर्स को लाखों का बिल थमा दिया है। लेकिन इसके बारे में मेकर्स की तरफ से या तो उसके एक्टर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे हैं। शूटिंग से जुड़ी कुछ पिक्चर्स और हिमाचल में आनंद लेते हुए कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वो हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। इसी दौरान सनी के पिता यानी कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि आपको स्नो का आनंद लेते हुए देख बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरा ढेर सारा प्यार और आप अपना ध्यान रखना। वाकई फोटो में सनी ने काले कलर का कैप पहना और अपने गले में मफलर पहने और उनके सर पर और उनके आसपास ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है और वाकई में इसमें सनी शानदार लग रहे हैं। इसी के साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी गदर 2 की टीम फिलहाल हिमाचल 2 की कहानी हो गई है लीक। क्यों जाएंगे आखिर तारा पाकिस्तान? क्या होगा फिल्म में जीते का रोल? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल सिर्फ दो ही चीजें चर्चा में है, एक कोरोना का सेकेंड पार्ट ओमिक्रॉन और गदर का दूसरा पार्ट गदर 2। तो बस बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसी चर्चाओं को बरकरार रखते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल जैसे सितारे दिखाई देंगे। फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे जो गदर में दिखाई दिए थे। फिल्म गदर के पहले पार्ट में सनी देओल अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान गए थे और बॉक्स ऑफिस हिल गया था। फिल्म गदर 2 में भी सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बार वो दूसरी वजह के चलते सीमा पार करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी 1970 और 1971 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। 1971 के भारत पाक युद्ध का पहला बीज 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही बो दिया गया था। अब तारा और जीते सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी लड़ेंगे। दोस्तों बता दें कि उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते दिखेंगे, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुसेंगे। गदर के पहले पार्ट में दर्शकों को तारा और सकीना की लव स्टोरी दिखाई गई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती इस फिल्म की कहानी में अनिल शर्मा ने खूबसूरत लव स्टोरी पिरोई थी, जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। दोस्तों गदर 2 में अनिल शर्मा 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई दिखाने वाले हैं। इसमें उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे और इस लड़ाई के दौरान तारा सिंह के बेटे की जान पर बनाएगी, क्योंकि तारा का बेटा जीते हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पाकिस्तान में फंस जाएगा, जैसे कि रियल लाइफ में कई बार हो चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग जीते को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें लगेगा कि ये कोई जासूस है। पाकिस्तानी सरकार अपनी सुरक्षा को देखते हुए जीते के साथ बुरा व्यवहार करेगी, जो उसके पिता तारा को पसंद नहीं आएगा और बस जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वो अपने बाप बेटे के रिश्ते को पहले भी फिल्म अपने में दिखा चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वो एक बार फिर से यही फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। दोस्तों आपके अनुसार अनिल शर्मा इस बार कामयाब होंगे या नहीं, हमें जल्दी से अपनी राय कमेंट से बता दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हसीन वादियों में कैसी नजर आई सकीना? कौन सा वीडियो शेयर किया अमीषा ने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं बड़ा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। भारत में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है हिमाचल प्रदेश, जो अपनी सुंदरता, पर्यटन स्थल और आकर्षक जगहों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा राज्य है जहां की झीलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिर पर्यटकों का बहुत ही आकर्षित करते हैं। ये एक बेहद ही पसंदीदा स्थल है जहां हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह जहां आप धरती पर तो होंगे लेकिन स्वर्ग की अनुभूति जरूर होगी। यहां की हसीन वादियां, खुला आसमान में गदर 2 शूटिंग चल रही है। तो चलिए अब हसीना सकीना की हिमाचली अंदाज वाली वीडियो पर आते हैं और बताते हैं कि उनकी वीडियो में क्या क्या दिख रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी मूवी गदर 2 के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में शूटिंग कर रही है। गदर 2 में एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की जोड़ी नजर आने वाली है। मूवी में उनके साथ काम कर रहे हैं एक्टर सनी देओल भी उनके साथ समय पालमपुर में है। इस दौरान अमीषा पालमपुर की प्राकृतिक खूबसूरती देख बेहद एक्साइटेड है। पालमपुर के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से अमीषा ने वीडियो शेयर किया है,
जिसमें यहाँ के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। अमीषा पटेल ने ट्वीट कर ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पालमपुर की खूबसूरत वादियाँ और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते बन रही है दर्शकों। वीडियो शेयर करते हुए अमीषा ने लिखा है, पालमपुर की सुबह एक वीडियो जरूर डिजर्व करती है। 6:40 प्रकृति की सुंदरता, कम कपाती ठंड लेकिन बेहद शांत। इस वीडियो में अमीषा किसी पूल पर खड़ी सामने झरझर बहती पानी और खूबसूरत वादियों को निहार रही होती है। वीडियो के बैकग्राउंड में प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दे रही है। फैंस इस वीडियो पर रिप्लाई करते हुए पालमपुर की खूबसूरती की तारीफें कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय बाद अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। अमीषा मूवी गदर 2 के दूसरे कलाकारों के साथ पालमपुर में शूट कर रही है। वहीं इस मूवी को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल मूवी की शूटिंग पालमपुर के जिस घर में हुई है वहां पर पैसे के लेन देन को कुछ विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक शूटिंग के दौरान वहां बने चाय के बागान को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं घर के मालिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं, साथ ही उनकी अनुमति के बिना ही घर के दूसरे हिस्से में शूटिंग की गई है। वेल दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। पहले ही क्यों गदर 2 फंसी विवादों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, बॉलीवुड के हिट एंड फिट एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं गदर 2 की शूटिंग शुरू होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई है। गदर 2 की शूटिंग पिछले करीब 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। पालमपुर के पास स्थित भलेर गांव में इस फिल्म का शूट जारी है। दरअसल कांगड़ा में पालमपुर के भलेर गांव के जिस मकान में गदर 2 की शूटिंग चल रही है उसके मकान मालिक ने फिल्म के मेकर्स पर पैसे ना देने का आरोप लगाया है। घर के मालिक का आरोप है कि जितना पैसा कंपनी द्वारा शूटिंग के बाद दिया जाना था उसे देने के लिए कंपनी अब मना कर रही है। यही नहीं, मकान मालिक ने ये भी दावा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कमरे और 1 हॉल का इस्तेमाल किए जाने की बात हुई थी, जिसका किराया 11,000 प्रतिदिन तय हुआ था। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म के लिए पूरा घर ही बिजी कर दिया। उन्होंने शूटिंग के लिए फिल्म का पूरा घर बिजी किया, 2 कनाल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूटिंग के लिए यूज किया और जब पैसे देने की बारी आई तो मना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब घर के मालिक ने पूरा बिल यानी कि 56 लाख रुपए बनाकर जिसमें उसने अपना नुकसान भी ऐड किया था वो मेकर्स को दिया। मेकर्स भी बौखला गए, ये क्या हो गया। वहीं सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2001 में आई गदर का सीक्वल है। मूवी में दोनों ही स्टार्स ने लीड रोल प्ले किया था और अब गदर 2 में भी वही स्टार कास्ट नजर आने वाली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म का सालों से इंतजार था। जब रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, उसके साथ लगान भी रिलीज हुई और लगान को भी पीछे छोड़ दिया था गदर 2 ने। गदर के डायलॉग इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि आज भी सबकी जहन में जिंदा है। चलिए उन डायलॉग के बारे में आपको बता देते हैं। जब सनी देओल कहते हैं, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, मुझे मेरे बच्चों को उसकी माँ से मिलाने के लिए कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती। वहीं ये डायलॉग अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वहीं एक डायलॉग में सनी देओल बोलते हुए नजर आते हैं, बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। वहीं ये डायलॉग सुनिए, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपकी छत पर तिरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इस डायलॉग से सभी के गूज़बम्प्स उठ गए थे। वहीं दोस्तों एक डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। और जब सनी देओल जोश और जुनून के साथ ये डायलॉग बोलते हैं तो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब गदर 2 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप कितना वेट करें गदर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में। कैसा रहा है अमीषा पटेल का करियर टॉप? किस फिल्म के बाद फ्लॉप रही उनकी फिल्में? क्या गदर 2 नहीं करना चाहती थी अमीषा? सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के दूसरे पार्ट यानी कि गदर पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उस समय ना सिर्फ फिल्म बल्कि इसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। सेट से सामने आई फोटोज में सनी और अमीषा गदर 1 जैसे लुक्स में ही नजर आ रहे हैं। इसका पहला सीन सनी पर ही फिल्माया गया था। फिल्म में सकीना का किरदार निभाने वाली अमीषा लंबे समय बाद यानी लंबे ब्रेक बाद किसी फिल्म में नजर आने वाली है। अमीषा शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली 2 फिल्मों से जितना स्टारडम कमाया है वो शायद ही किसी एक्ट्रेस ने अपने पूरे करियर में नसीब किया है।
आज हम आपको अमीषा के बदलते हुए लुक्स और करियर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अमीषा पटेल ने 18 साल के करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन इसके बावजूद अमीषा के करियर का ग्राफ कई सालों तक ऊपर नहीं रहा। गदर ने उनके करियर में ऐसे चार चांद लगा दिए मानो पूछो ही मत। 12 घंटे ऑडिशंस देने के बाद अमीषा को गदर पार्ट 1 की लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनली फाइनल किया गया था। हालांकि साल 2002 के बाद अमीषा का करियर ग्राफ लगातार गिरता ही गया। फिल्मों में सादे अंदाज में नजर आने वाली अमीषा असल जिंदगी में काफी बोल रही हैं। आजकल वो कई स्कूलों में एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स में अवार्डी गिविंग इवेंट्स और कभी कभार बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में दिखाई दे जाती हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अमीषा को फिल्म पाने और लाइमलाइट में रहने के लिए बोल्ड फोटोशूट तक का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके अलावा अमीषा कई बार धोखाधड़ी के मामले में भी फंस चुकी हैं। हालांकि इन सब के बावजूद उनके लिए फैंस का प्यार वो कभी कम नहीं हुआ, चाहे जो हो जाए। फैंस हमेशा ही इस इंतजार में थे कि अमीषा एक दिन उन्हें गदर जैसी फिल्म में वापस दिखाई देंगी, वही जादू बिखेरेंगी वही जुनून के साथ। तो आप देखिए, मेकर्स और अमीषा ने उनके फैंस की पुकार फाइनली सुन ली और अमीषा गदर 2 जैसी क्या गदर 2 ही में ही वापस आ रही है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि गदर 2 के लिए अमीषा ने एकदम से हामी या नहीं भरी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद इस बार फैंस उन्हें पिछली बार जितना प्यार नहीं देंगे और ये फिल्म के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमीषा फिल्म का हिस्सा भी बनी और शूटिंग भी शुरू कर दी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इसका आंसर जानने के लिए एक्साइटेड है, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ, यानी कि बॉलीग्राड स्टूडियोज को फटाफट सब्सक्राइब करना है और इसके अगले पार्ट के आने का इंतजार करना है। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी एक्ट्रेस और उनके उस किरदार के बारे में जो पिछले 20 साल से उनके अंदर है और उसे दोबारा जीने के बाद वह बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही है। अरे, आपने अभी तक नहीं पहचाना, वही जिनको लेने के लिए फिल्म में उनके पति पाकिस्तान तक चले गए थे। जी हाँ, अब सही पहचाना है आपने। हम बात कर रहे हैं गदर 2 की लीड एक्ट्रेस यानी कि अमीषा पटेल की। तो अमीषा का कहना है कि जब गदर 2 के सेट पर पहली बार उन्हें सकीना की कॉस्ट्यूम मिली तो वो बिल्कुल वंडर वुमन जैसे फील कर रही थी, और यहाँ तक कि जब फिल्म की पूरी टीम एक साथ काम करने आई तो सेट पर नॉस्टैल्जिया सा घूम रहा था। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे फिर से यह किरदार निभाने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा इंडस्ट्री में काफी कम ही होता है। और इतना ही नहीं, लोगों के दिल में गदर के सारे किरदार ऐसे बसे हुए हैं कि वो बिल्कुल बेताब है यह जानने के लिए कि इन सालों में तारा सिंह और उसके परिवार में क्या हुआ। अमीषा का मानना है कि गदर मुगले आजम, शोले और टाइटैनिक आइकॉनिक फिल्मों में आई है। हालांकि उन्हें कभी दूसरा चांस नहीं मिला और उनका दूसरा पार्ट भी नहीं आया, लेकिन हमें मौका मिला है और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ। आपको बता दें कि पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा जोश में है और पैशनेट भी। वही जी स्टूडियो फिर से गदर को प्रोड्यूस कर रही है, जिन्हें अनिल सर और फिल्म पर बहुत ज्यादा भरोसा है। वही गदर 2 को देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि 20 साल के गैप के बाद वह इस फिल्म को देखने आए हैं। इस फिल्म में कमाल के डायलॉग्स होंगे, कॉमेडी होगी, गाने होंगे और बहुत कुछ। आपको बता दें कि एक ऐसा सिनेमा जो कि काफी सालों से मिसिंग था, गदर 2 से वही सब वापस लौटने वाला है। तो दोस्तों, अमीषा की ये बातें सुनकर हम तो ऐसी और बातें जानने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। क्या आप भी जानना चाहते हैं फिल्म से जुड़ी ऐसी ही और दिल? 6 साल की उम्र में ही गाने वाली ये सिंगर कौन है? कौन है जिसे इतनी खूबसूरत आवाज के बावजूद करना पड़ा था स्ट्रगल? आज के बॉलीवुड के गाने को लेकर ये क्या कह दिया था इस सिंगर ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने जा रहे हैं अलका याग्निक जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने दिलकश आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया, एक आवाज जो लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे कलाकारों के बाद अगर बहुत मशहूर हुई है तो वो उन्हीं की आवाज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी की। आइए आज उनके बारे में कुछ बेहद ही खास और अनजानी बातें हम आपको बताते हैं। अलका का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां शुभा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी। उन्होंने ही अलका को संगीत की ट्रेनिंग दी।
मात्र 6 साल की उम्र में अलका ने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी के लिए गाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनकी माँ उन्हें मुंबई ले आई। यहाँ उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आवाज में मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो उन्हें उनकी आवाज का जादू साफ दिखाई दिया। राज कपूर ने उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। इसके बाद साल 1980 में उन्होंने अपना पहला गाना फिल्म पायल की झंकार के लिए गाया था। साल 1981 में फिल्म लवारिस के लिए उन्होंने मेरे अंगने में गाया, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म तेजाब में, जिसमें उन्होंने 1, 2, 3 गाया और लोगों पर उनकी आवाज का जादू चारों ओर फैल गया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी मिला। बस फिर क्या था, अलका याग्निक का करियर चल पड़ा और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। क्या आप जानते हैं कि अलका 1100 फिल्मों में करीब 24,000 से भी ज्यादा गाने गा चुकी हैं? जी हाँ, पिछले कुछ सालों से लेकिन वो गाना बंद कर चुकी है। इसकी वजह है वो आज के संगीत में बदलाव को मानती हैं। बॉलीवुड के गानों में इतना बदलाव आ गया है कि 90 के दशक के सिंगर जैसे कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को काम मिलना ही बंद हो गया है। अलका का मानना है कि बॉलीवुड में गानों की मधुरता खो गई है और उसकी जगह फुहड़ता ने ले ली है। बहरहाल एक बेहद ही खास फिल्म गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने उदित नारायण के साथ मिलकर एक खूबसूरत गाना गाया था जिसका नाम है उड़ जा काले कावा। इस गाने के लिए उदित के साथ साथ अलका को भी खूब सराहा गया था। अब आपको बता दे कि 2001 की सुपरहिट फिल्म का एक सीक्वल बन रहा है जिसमें सनी देओल के बेटे करण देओल और सारा अली खान मुख्य भूमिकाओं में होंगी। गौरतलब है कि ओरिजिनल फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य किरदारों में दिखे थे। फिल्म से जुड़ी बाकी की जानकारी भी हम आपको जल्द ही देंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और आने वाली वीडियोस को देखते रहना होगा। अगली वीडियो में हम आपको अलका के गाने और उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे भी करने वाले हैं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1947, बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। आखिर कौन नजर आने वाला है हमें गदर के सीक्वल गदर 2 में? फिलहाल कौन से फिल्म पर काम कर रहे हैं गदर 2 के डायरेक्टर? आखिर कौन था वो बच्चा जिसने तारा और सकीना के बेटे का रोल निभाया था? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, गदर 2 के बारे में बात करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं गदर मूवी से जुड़े कुछ अनकहे और अनसुने फैक्ट्स के बारे में। बता दें दोस्तों कि 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन दोस्तों, क्या आप गदर की असली कहानी से वाकिफ हैं? नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। तो दोस्तों, ये वो समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। दोस्तों, ऐसे बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है।
दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान आ चुकी जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। दोस्तों आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और उसे ये पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। दोस्तों बूटा की लाख मिन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब की इस तरह ना कहने से आहट बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है। दोस्तों आपको बता दें कि लाहौर के मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। अब दोस्तों बात करें गदर 2 के सीक्वल के बारे में, तो साल 2001 में धमाका करने के बाद एक बार फिर सनी देओल के दमदार देशभक्ति अवतार को देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि दोस्तों निर्माताओं ने गदर फिल्म का सीक्वल बनाने की दिशा कदम बढ़ा दिए हैं। बता दें दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अनिल शर्मा, जो फिलहाल अपने 2 पर काम कर रहे हैं। बता दें दोस्तों साथ ही कि आपको गदर 2 में वही सेम स्टार कास्ट देखने को मिलेगी जो आपने गदर में देखी थी, यानी कि तारा सिंह, सकीना और उनका बेटा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तारा और सकीना का बेटा असल में डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा है, जो अपना बॉलीवुड डेब्यू 2018 में कर चुका है। तो दोस्तों अब देखना बहुत रोमांचक होने वाला है कि क्या गदर 2 भी गदर की ही तरह गदर मचाने वाली है या नहीं, और आपको क्या लगता है इस बारे में हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और गदर 2 से क्या है उनका कनेक्शन। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज हम बात करेंगे उदित नारायण से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको बता दें बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार उदित नारायण पिछले कई दशक से अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हर उम्र के लोग उनके गाने के दीवाने हैं और वो रोमांटिक गाने के लिए भी जाने जाते हैं। उदित नारायण झा का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार में हुआ था। उनके पिता एक नेपाली हरे कृष्ण झा थे और माँ भारतीय भुवनेश्वरी झा थी। शायद ही ये बात आप जानते होंगे कि उदित नारायण ने अपने करियर की शुरुआत नेपाली फिल्मों से की थी। हालांकि जब वहाँ बात नहीं बन पाई तो 1978 में वो मुंबई चले आए। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म 1920 से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इससे भी उन्हें पहचान नहीं मिली और 10 सालों तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्हें पहचान आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली। और फिर क्या, उन्होंने इस फिल्म के गाए गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और इस फिल्म के बाकी गाने उन्होंने अलका याग्निक जी के साथ गाए हैं। इसके बाद तो 90s और 2000s के दौरे में उन्होंने कई फिल्मों में कई एक्टर्स के लिए गाने भी गाए हैं। आपको बता दें कि उदित नारायण को 2009 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी बेहतरीन गायकी के लिए उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और फिल्म फेयर अवार्ड को बेस्ट सिंगर के 5 अवार्ड भी उनके नाम है। ये अवार्ड उन्हें राजा हिंदुस्तानी, कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम दिल दे चुके सनम और कई फिल्मों के लिए मिल चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि उदित ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। जी हाँ, उदित की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली बातें हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें उनके सुपरहिट गानों में शामिल एक गाना 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का गाना मैं निकला गड्डी लेके भी है। सनी देओल पर दर्शाया गया ये गाना फैंस के बीच काफी मशहूर हुआ था और जिसे लोग आज भी याद करते हैं। गौरतलब है कि फिल्म का एक सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें सनी देओल एक स्पेशल अपीयरेंस में होंगे। लीड रोल्स के रूप में उनके बेटे करण देओल और एक्ट्रेस सारा अली खान होंगी।
खुशी की बात ये है कि उदित का ये मशहूर गाना इस फिल्म में एक बार फिर लिया जाएगा और इसे खुद उदित गाने वाले हैं। फिल्म को लेकर आप कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सन 1947, बंटवारा, दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है, ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। क्या थी गदर के असली तारा सिंह की कहानी? क्यों नहीं आई थी रियल सकीना अपने रियल तारा के साथ वापस? कहां से शुरू होगा अब गदर 2 की कहानी का सफर? 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की दमदार कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग, डायलॉग, गाने, हर चीज उम्दा थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आप गदर की असली कहानी से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या थी रियल लव स्टोरी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुत चर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में थे। गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असली घटना से प्रेरित है? जी हाँ, यह कहानी है बूटा सिंह और जैनब की, और बात है सन 1947 की। यह वह समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वह लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है, और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी तो कर लेते हैं, उन्हें एक बच्ची भी होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारे में भारत आ चुकी जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रेफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाती है। जैसे कि फिल्म में तारा सिंह और उसका बेटा भारत में ही रह गया था। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ ले लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजते हुए पाकिस्तान जा पहुंचता है और यह पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर की मियां साहब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। आपको बता दें कि गदर का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है, इसमें भी बूटा की लाइफ को आगे दिखाया जाएगा। आगे की लाइफ से मतलब है कि बूटा ने कैसे फैसला लिया कि वो मरेगा, कैसे जैनब को पता चला कि बूटा ने अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि बेशक यह एक सीक्वल होगा और पहले पार्ट में हैप्पी एंडिंग भी हुई थी, तो फिर कैसे शुरू होगी इनकी अलग कहानी? यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि इसमें से एक नई कहानी और नए किरदार के साथ शुरू की जाएगी, जिसमें कहानी को बूटा सिंह की लाइफ से कहीं कहीं जोड़ा जाएगा। पर अब देखना यह होगा कि आखिर कैसे स्क्रीन पर दिखा पाएंगे डायरेक्टर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या होगा इसकी ट्रिक, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। गदर के सेट से क्या किस्सा शेयर किया था अनिल ने, कैसे पड़ी थी जीत की जान मुश्किल में। सबसे बड़ा सवाल
कौन करेगा गदर 2 में बवाल? बस इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा को रिलीज हुए 16 साल हो गए हैं। 15 जून 2001 को रिलीज हुई इस फिल्म ने उस दौरान थिएटर्स में 77 करोड़ रुपीस कमाए थे। वहीं फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो वो लगभग 400 करोड़ रुपए है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की। वो खास खबर खुद अनिल के बेटे से रिलेटेड है। जी हाँ, जिसने गदर में सनी देओल के बेटे जीत का रोल निभाया था। अनिल बताते हैं कि मैं अपने आप को इसका दोषी मानता हूँ कि सेल्फिश बना और मैंने एक सीन के लिए मैंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी। आपको बता दें कि दरअसल बात ये थी कि सनी को ट्रेन के ऊपर अमीषा पटेल के साथ एक बोगी से दूसरी बोगी पर दौड़ते जंप करते हुए जाना था। इस सीन में सनी के कंधे पर उनका रियल बेटा जीत और अनिल का रियल बेटा मतलब उत्कर्ष था। उस समय शूटिंग के दौरान ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी जिस पर ये सीन शूट हुआ। जब शूटिंग हो रही थी तो इस दौरान अनिल ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि जाहिर है कोई ये नहीं देख सकता था कि उसका बेटा जोखिम भरी शूटिंग का हिस्सा है। डरना लाजमी था लेकिन सनी के 2.5 किलो के हाथ ने उत्कर्ष की जान पर जीत पाई। अनिल साथ में बताते हैं कि शूटिंग के दौरान मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि अगर जरा सी भी गलती होती तो मैं अपने बेटे को खो देता। जब ट्रेन रुकी, शूट कट की आवाज आई, तब मैंने आंख खोलकर देखा तो सनी उत्कर्ष के साथ खेल रहे थे। ये देखकर मेरी जान में जान आई। इस डिसीजन के लिए मैं आज भी खुद को कोसता हूँ क्योंकि ये बहुत रिस्की था। आज भी उस सीन के बारे में सोचकर मैं टेंशन में आ जाता हूँ जैसे ये 16 साल पुरानी नहीं बल्कि कल की ही बात हो। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो यही जीत आपकी इस फिल्म के हिट होने से हुई, करोड़ों रुपये की जीत। बस इसी जीत का जश्न मनाने एक बार फिर अनिल गदर की एक अनोखी प्रेम कहानी को वापस स्क्रीन पर ला रहे हैं जो गदर फिल्म का सीक्वल होगी। और मजेदार बात यह है कि सीक्वल को खुद जीत यानी अनिल के वो ट्रेन वाले बेटे उत्कर्ष ही लीड करेंगे। गदर 2 में उत्कर्ष के साथ आलिया भट्ट नजर आने वाली है। इससे पहले भी आलिया राजी में एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा चुकी है। अब एक बार फिर वो गदर में पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाएंगी। लेकिन अनिल के लिए अटकल अब विलन के रोल के लिए है क्योंकि अब अमरीश पुरी जैसे बेहतरीन खलनायक हमारे बीच में नहीं है। इसलिए आजकल अनिल गदर 2 के लिए एक अच्छा खलनायक ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा खलनायक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन खबरदार, अपने रिश्तेदारों का नाम कोई नहीं लिखेगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही। फिर मैं अष्टक द्वारा रखी गई क्या थी वो दो शर्तें, क्या सकीना और तारा एक हो पाएंगे, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं यानी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में जहाँ आज हम बात करने वाले हैं आपका मिशन गदर के बारे में। हमने बॉलीवुड स्टूडियो की लास्ट वीडियो में आपको सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर के बारे में बताया। उस फिल्म ने सकीना के लिए यानी कि अपने प्यार सकीना के लिए तारा अपने बेटे जीत के साथ पाकिस्तान पहुंचा है जहाँ उसका सामना सकीना के पिता अशरफ से होता है जो कि उसे अपना दामाद बनाने के लिए राजी नहीं होता। और वहीं तारा को अपने घर का दामाद बनाने के लिए कुछ शर्तें तारा के सामने रखता है। उनकी शर्तें थी कि तारा और सकीना इन दोनों से मिलकर पाकिस्तान में रहना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये थी कि सकीना को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले दिन तारा इन दोनों की शर्तों को मान लेता है लेकिन ये अशरफ के प्लान के खिलाफ होता है। अशरफ को लगता है कि तारा इन दोनों शर्तों को मना कर देगा और वापस भारत चला जाएगा लेकिन वो कुछ उल्टा जाता है। इसके बाद अशरफ तारा को एक बार फिर अपने पास बुलाता है जहां पर वो सच्चा पाकिस्तानी होने का दावा भी करता है और वो उसे कहता है कि वो अपने देश की बुराई करे। इस बात से तारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर अशरफ से भेजे होते हैं लोग तारा को मारने के लिए लेकिन तारा उन सभी को मार जाता है। इस सबके बीच से बचकर तारा उसका एक दोस्त और सकीना वहाँ से भाग निकलते हैं। वो बाघा बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आस पास के गाँव में घुस जाते हैं। अब दोस्तों उन्हें वहाँ भागते भागते एक छोटी सी कुटिया दिखती है जहाँ पर वो रहने के लिए पन्ना देते हैं। अब वहाँ वो जाते हैं तो वहाँ पर उस कुटिया की मालकिन यानी कि उस आदमी की बीवी बहुत ज़्यादा लालची होती है। तो वो सकीना से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा।
बाद तारा और सकीना वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक ट्रेन मिलती है, एक शासन ट्रेन मिलती है, जिसमें बैठकर वो भारत की ओर निकल जाते हैं। ये बात सकीना के पिता अशरफ को पता लग जाती है, तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ उनका पीछा करने के लिए एक ट्रेन के जरिए पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो गोलीबारी शुरू कर देता है, जिसके बीच सकीना को गोली लग जाती है। इसके बाद सकीना को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, जिसके बाद पता लगता है कि सकीना कोमा में जा चुकी है। कुछ समय बाद सकीना कोमा से जागती है और उसको अपना परिवार सामने देखता है। और दोस्तों खुशी की बात ये होती है कि अशरफ तारा और सकीना को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है। अब तारा और सकीना वापस से भारत चले जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब इस फिल्म के अंत में सब कुछ अच्छा ही है। अब वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, मूवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब फाइनली आने वाला है मूवी का सीक्वल, जिसके लिए एक खुशखबरी है कि इस फिल्म में हमें वापस से नजर आने वाले हैं सनी देओल। तो दोस्तों आप इस फिल्म में क्या कहानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज 2001 में किन फिल्मों ने की थी ताबड़तोड़ कमाई? गदर एक प्रेम कथा से भी आगे रही कौन सी फिल्म? क्या थी सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की कमाई? साल 2001 में रिलीज हुई सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। महज 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी कहानी, कास्ट और प्रमोशन के चलते 130 रुपए करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस साल और कौन सी ऐसी फिल्में थी जो इस फिल्म के टक्कर में रही होंगी। तो आइए आज हम आपको साल 2001 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बारे में बताते हैं। फिल्म कभी खुशी कभी गम को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। करण जौहर द्वारा निर्देशित और उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तहत बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे कई टैलेंटेड कलाकार थे। यह फिल्म एक मेलोड्रामा फिल्म थी, जिसमें एक भारतीय परिवार की कहानी को दिखाया गया है। कैसे वे आपस में गलतफहमी और मुश्किलों का सामना करते हैं जब उनका गोद लिया बेटा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए का था, इसने 136 करोड़ का बिजनेस किया था। लगान फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अपने कमाल के डायलॉग्स और कहानी के लिए मशहूर इस म्यूजिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था, जबकि फिल्म के लीड स्टार आमिर खान ने अपने बैनर आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत इसका निर्माण किया था। उनके अलावा इसमें ग्रेसी सिंह की भी मुख्य भूमिका थी। कहानी एक गांव और उसके किसानों की है, जहां अंग्रेजों का कब्जा है और वे लगान बढ़ाते रहते हैं। अब गांव वाले इसका क्या इलाज निकालते हैं, यह फिल्म में दिखाया गया है। 25 करोड़ के बजट में यह बनी फिल्म ने 65 करोड़ का बिजनेस किया था। दिल चाहता है फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। आने वाले समय की रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित इस फिल्म में आमिर खान, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया मुख्य किरदार में थे। फनान अख्तर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को एक्सल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। कहानी तीन दोस्त आकाश, समीर और सिद्धार्थ की है, जो कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, यह फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 45.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2001 की इस रोमांटिक फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान की जोड़ी ने किया था, जिसे MR फिल्म्स इंटरनेशनल ने प्रोड्यूस किया था। इसमें सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। कहानी एक शादीशुदा जोड़ी राज और प्रिया की है, जो एक जवान प्रोस्टिट्यूट मधुबाला को उनके लिए सरोगेट मदर बनने के लिए हायर करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब मधुबाला राज के प्यार में पड़ जाती है और बच्चा रखने को कहती है। महज 13 करोड़ की बजट में बनी यह फिल्म ने 37.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये तो एक लिस्ट थी 2001 की सुपरहिट फिल्मों की, जिन्होंने अपनी कमाई के दम पर हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। गौरतलब ये है कि गदर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यानी कि कभी खुशी कभी गम के बाद आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि गदर का एक सीक्वल भी बन रहा है, जिसमें एक लीप लेकर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें सारा अली खान
और सनी देओल के बेटे करण देओल मुख्य किरदारों में होंगे। फिल्म से जुड़े बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और नीचे कमेंट में हमें इस वीडियो के सन 1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। कौन है तारा और सकीना का बेटा जीते? अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्में ही क्यों करते हैं ये एक्टर? क्या गदर के सीक्वल में होगा इनका खास रोल? 2001 की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीषा पटेल का बेटा जीते तो आपको याद ही होगा। अपनी क्यूट सी स्माइल और मासूमियत से उस बच्चे ने सबका मन मोह लिया था। उस बच्चे का असली नाम उत्कर्ष शर्मा है, जो निर्देशक अनिल शर्मा के बेटे हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्कर्ष ने अपने पिता की ही फिल्म गदर एक प्रेम कथा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया था। आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। उत्कर्ष का जन्म 22 मई 1994 को मुंबई में हुआ था। वे बॉलीवुड निर्देशक और निर्माता अनिल शर्मा के बेटे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में गदर, पुलिस वाला गुंडा, अपने, वीर आदि जैसी कई फिल्में दी है। यूएसए की एक यूनिवर्सिटी से उत्कर्ष को फाइन आर्ट्स इन प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन में बैचलर्स डिग्री हासिल है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अपने पिता की ही फिल्म गदर एक प्रेम कथा में बतौर एक चाइल्ड एक्टर की थी, जिसमें वो सनी देओल और अमीषा पटेल के किरदारों के बच्चे बने थे। उस समय उनकी उम्र महज 7 साल थी। फिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बतौर एक लीड बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनका डेब्यू भी उनके पिता द्वारा निर्देशित 2018 की फिल्म जीनियस से हुआ था। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस इशिका चौहान थी। पर क्या आप जानते हैं कि गदर और जीनियस के बीच में भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं? जी हाँ, वे अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों और अपने में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा 2015 की शॉर्ट फिल्म पर्पस को वो निर्देशित और निर्मित भी कर चुके हैं और 2016 में स्टिल लाइफ नामक एक शॉर्ट फिल्म के लिए कहानी भी लिख चुके हैं। उनकी फिल्म गदर एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जिसने उन्हें भी एक पहचान दिलाई। लोग उनके मासूम लुक्स और क्यूट सी स्माइल पर फिदा होने लगे। मात्र 19 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 130 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया था। अब अगर आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं तो आपको वो वीडियोस पता होंगी जहां हमने बताया था कि फिल्म के मेकर्स अब इस सुपरहिट फिल्म का एक सीक्वल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि फिल्म की कास्ट भी फाइनल हो चुकी है। जी हाँ, गौरतलब है कि फिल्म को एक बार फिर अनिल शर्मा ही निर्देशित करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उत्कर्ष फिल्म के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल मेकर्स चाहते हैं कि सीक्वल में फ्रेश कास्ट के साथ नए तरीके से इसे बनाया जाए, और चूंकि उत्कर्ष पिछली फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं इसलिए इस बार वो नहीं होंगे। हालांकि पिछली फिल्म से सनी देओल जरूर कुछ समय के कैमियो में होंगे, जो नई कास्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे। फिल्म में उनके बेटे करण देओल मुख्य भूमिका में होंगे, जबकि अमीषा पटेल यानी कि लीड एक्ट्रेस के रूप में सारा अली खान होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको भी हमारी ही तरह फिल्म का बेसब्री से इंतजार है? अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। खुद को एक्सीडेंटल फिल्म एक्ट्रेस क्यों बोलती हैं ये एक्ट्रेस? कई स्पोर्टिंग रोल कर चुकी ये एक्ट्रेस कौन है? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने वाली लिलेट दुबे भले ही लीड रोल्स में ना दिखी हो, पर अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है कि दर्शक उनके छोटे से रोल को भी हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। ऐसा ही एक रोल उन्होंने किया था 2001 की फिल्म गदर एक प्रेम कथा में। आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। उनका जन्म 7 सितंबर 1953 को पुणे में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ। उनका असली नाम लिलेट केसवानी है। उनके जन्म के बाद उनका परिवार पहले बीकानेर और फिर लखनऊ शिफ्ट हो गया था, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गए और वहां पढ़ाई करने के बाद दिल्ली शिफ्ट हुए। जब वो 9th क्लास में थी तब वो वापस पुणे आए, जहाँ उन्होंने पहली बार एक्टिंग शुरू की। दुबे पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उन्हें घर वाले चाहते थे कि वो साइंस लें।
पर आर्ट्स लेना चाहती थी और काफी मनाने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली। इसी समय उनकी मुलाकात रवि दुबे से हुई जिनसे उन्होंने 1978 में शादी कर ली। 2015 में कैंसर के चलते रवि की मौत हो गई। उनकी दो बेटियां नेहा और ईरा दुबे हैं जो खुद भी एक्ट्रेसेस हैं। लिलेट हमेशा खुद को एक्सीडेंटल फिल्म एक्ट्रेस बुलाती हैं क्योंकि उनके मुताबिक फिल्मों में उनका आना एक संयोग था। 1999 में अक्षय कुमार और सोनाली बेंद्रे की फिल्म लव यू हमेशा से उन्होंने डेब्यू किया था। फिल्म में उन्हें सराहाया गया। इसके बाद 2000 की फिल्म बवंडर में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया। हालांकि उन्हें असल पहचान 2001 की फिल्म जुबेदा में उनके किरदार आंटी रोज से मिली। इसके बाद उसी साल गदर एक प्रेम कथा में उन्होंने अमीषा पटेल के किरदार की मां का किरदार निभाया जिसके लिए उन्हें हर तरफ तारीफें मिलने लगी। उसके बाद मॉनसून वेडिंग, ओम जय जगदीश जैसी फिल्में उन्होंने की। 2003 की फिल्म बागबन में वन परेश रावल की पत्नी के रूप में दिखी थी जिस रोल को आज भी याद किया जाता है। लिलेट 40 सालों से एक्टिंग कर रही है और फिल्मों के अलावा 40 से भी ज्यादा थिएटर प्ले में काम कर चुकी हैं। उसके अलावा टेलीविजन और वेब प्लेटफॉर्म पर भी नजर आती रहती हैं। आखिरी बार G5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल बन रहा है जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिलेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिलेट उनकी मां के रोल के लिए ज्यादा एज्ड लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की मां के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को। क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी? बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे ची ची गदर से? आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना? इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और वो इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि फिल्म की कहानी पसंद होते हुए भी गोविंदा ने ये फिल्म ठुकरा दी और सनी की किस्मत में एक सुपरहिट फिल्म आ गई। सनी देओल ने फिल्म में सिख तारा सिंह का रोल निभाया था, जिसे एक पाकिस्तानी लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान उपजी ये प्रेम कहानी
किस कोहराम से गुजरते हुए अंजाम पाती है को इस फिल्म में दिखाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। अब एक बार फिर गदर के मेकर्स ने इसका सीक्वल बनाने की ठान ली है। हो सकता है वो एक बार फिर गोविंदा को इस फिल्म में लाने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है, क्या आप तारा सिंह की जगह किसी और को दे पाएंगे? क्या गोविंदा इस रोल को करने के लिए दोबारा मना करेंगे? आपके जवाब हमें कमेंट्स। सन 1947, बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। बनने जा रही है गदर 2। ऐसे शूट हुआ था फिल्म का रेल वाला सीन, कहाँ हुई थी गदर फिल्म के हैंडपंप वाले सीन की शूटिंग, कैसे एक नई ट्रेन को पुराना बना दिया गया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोस, मैं हूं सोनिका जुआल। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा तो सबको याद होगी, मतलब कोई नहीं होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी। मूवी में एक पुरानी ट्रेन और उसमें भरे हुए लोग, मतलब कि ये जो सीन था झिंझोर वाले देना सीन था। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इसको एक आर्ट डायरेक्टर ने अपनी क्रिएटिविटी करके पॉसिबल कर दिखाया। ये थे बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर संजय एस दाबाड़े। ये कैसे पॉसिबल हुआ उन्होंने बताया। आर्ट डायरेक्टर होने के साथ साथ वेडिंग सेट भी डिजाइन कर डालते थे। लक्ष्मी निवास मित्तल के बच्चों की शादी में उन्होंने अपनी दमदार क्रिएटिविटी दिखाई। गदर के ट्रेन वाले सीन के बारे में संजय कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें अमृतसर के एक वास्तविक रेलवे स्टेशन को ही मूवी में दिखाना था, लेकिन पुराने रूप में, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन आज भी बहुत पुराना है और हमने उसी को चुना और एक नई ट्रेन में पुराने डिब्बे लगाकर उस पर मिट्टी के रंग का कलर कर दिया। इससे ट्रेन पुरानी दिखाई देने लगी और इसमें लोगों को भरकर वाला सीन पूरा किया गया, जो कि गदर मूवी की जान बन गई। इसमें चैलेंज भी था क्योंकि हमें ट्रेन 4 घंटे के लिए दी जाती थी, ऐसे में इतने कम समय में वो सीन पूरा कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्रिएटिविटी ने ये सब आसान कर दिखाया। साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा 2001 में रिलीज हुई थी और उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन आज हम बता दें कि वो हैंडपंप वाला सीन कहाँ शूट किया गया था। जब सनी देओल याद करते हैं हम सनी देओल को, तो ये हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन जरूर याद आता है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, पहले नंबर पर बन गई थी। लेकिन ये जो फिल्म थी, हैंडपंप वाला जो सीन था, वो भारत के मैसूर राज्य में फिल्माया गया था और बहुत ही बेहतरीन ये सीन था दोस्तों। सनी देओल के इस अंदाज को सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन दर्शकों का सबसे लोकप्रिय सीन है। वहीं इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अमरीश पुरी, अमीषा पटेल के अभिनय को भी काफ़ी पसंद किया गया। 18 साल के बाद भी गदर एक प्रेम कथा का जो डायलॉग्स हैं, जो कहानी है, वो आज भी लोगों के दिलों को उतना ही छूती है। वैसे अगर आप गदर के सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक लव स्टोरी फिर से लेकर आने वाले हैं जो कि विभाजन से जुड़ी हुई है और साथ ही ये गदर 2 की कहानी है। लेकिन विभाजन के बाद इस लव स्टोरी पर क्या प्रभाव पड़ा? विभाजन में वो साथ तो है, लेकिन कैसे उनके परिवार और समाज ने उनको अलग कर देने का प्रयास किया, ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन इस बार समान धर्म होने वाले हैं। उस वक्त ऐसा था, एक हिंदू थी, एक मुसलमान थे, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गदर 2 में एक धर्म के अंदर जमा अनेक धर्मों की काई पर ध्यान दिया जाने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं गदर 2 के लिए, हमें नीचे सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। सन 1947, बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। किसका सीन काट दिया गया था फिल्म गदर से? गदर 2 के आने की जानकारी किसने और कैसे दी? फिल्म गदर किसमें हुई थी वरदान साबित?
आज हम बात करने वाले